शिक्षक है ना उस शंकोले पत्र है ना हाँ तस्त मैं ओडुकी शिकार दर कड़े करूँ नबल सीधा सर्च वगैरह पकी की देशी तसू कि कड़े तसू कड़े आसान हो गए ना तुम्हारा ग्रांट पता है सिर्फ एफ एस मे फंक्शन कॉल खोल दिया कार अगस्त सही शो हाँ कोर लाइब्रेरी स्कीम मुंग सर यू ओ एस थे ओ एस चे दे दर तस दस डायरेक्ट ना पका रही ऑब्वियसली है ना खोल का जिदा उस दी उससे नहीं वेल بلکہ ز لیٹ می رن دس ذکر سیدھا یہ وجہ نا ڈیر ضروری دے گا نا گرے کزدہ سے بھی کم کانسٹ او ایس از ایکول ٹو ریکوائر او ایس دا اس لکھا یو कोर मॉड्यूल ने चिकम पर नोट जेस के ऑलरेडी अवेलेबल दे और ददी कार दे जे दे दासु ऑपरेटिंग सिस्टम सर कनेक्ट कई बस ददी कार सिर्फ दे द ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड टूल इंफॉर्मेशन राली फॉर एग्जांपल सुमरा मेमोरी फ्री दा उस करंटली नो दा चाता पता दा जे सुमरा मेमोरी फ्री दा ऑपरेटिंग सिस्टम दा पता दा नो दा ओएस मॉड्यूल चे दे दा 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 पैकेज दे असल की तपूस कई द ऑपरेटिंग सिस्टम ना ऑपरेटिंग सिस्टम बेता सुले जवाब दे की चियार तुमरा मेमोरी करंटली फ्री दा Why would I need this sumra free da sumra na da da filhal pre da da server side to pakari gi filhal ta usta dizurat nishta sirf da yo so shi zunus da rasha bas ta usko yo first ko is a console log kam kara usal dori kum os dot free mem free mem is a function kaza da save kum usa da file run pull hodam zaba narsham javascript ta node js ta nodes ta dal ta bazaran kama node mon my os js tik shwa उस गुरी देखिए दमा तो दस वोल चिदा चिदे दा दुमरा मेमोरी करंटली फ्री दा नाउ दिस इज इन बाइट्स तो कहता सो वाई चिना सदा लाइक राउंड ऑफ को मनो डिवाइड बाय 1024 एक ही नो होपफुली बताता उसका उस 34 यानी 3 GB और 400 MB और दुमरा बाइट्स फ्री दा ठीक छुआ नो वेना मतलब मिला दे चिदे दा वजह नमुंग तदा मालूम ही देशी चिउस करंटली सुमरा मेमोरी फ्री दा दस एम की देशी चिमुंगा टोटल मेमोरी गुरु टोटल मेमोरी सुमरा दा नो दा तकरीबन 7.9 GB दा नो तकरीबन 8 GB दा करा तो देखिए 8 GB रैम दे नो देना पता लगे जी सुमर जी बी उस करंटली अवेलेबल दे टोटल अवेलेबल सुमर दे देखिए शिकम टोल ना इंपॉर्टेंट शे दे शिकम एक्चुअली की जमुन को वेब के पकारी अगर दे प्लेटफॉर्म ठीक छुआ प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म चीदे करा दे नमुन तो दाखा ही करना चाहिए उस करंटली जी दा कम सिस्टम माने दा रनिंग के दा द नोड द आगे ऑपरेटिंग सिस्टम कमी होने ठीक छुआ वाई वुड आई नीड दिस गोरा चिकल रिक्वेस्ट राशी द लिनक्स द तरफ ना नो ता सुबह अगर तो चिकम कोड फॉरवर्ड कवई अगर द लिनक्स भी और का रिक्वेस्ट रहा हो द विंडोज द तरफ ना द क्लाइंट साइड ना नो ता सुबह अगर वेबसाइट द विंडोज द पर मॉडिफाई कवई नो मुंग द वसंग पता लगी छी ओ रिक्वेस्ट द कम ऑपरेटिंग सिस्टम तरफ ना रगले दे नो अगर दे दी प्लेटफॉर्म द हो जाए मतलब ठीक छुआ دبا تاسو بیا ڈیوپس وغیرہ کی کو گوری فی الحال د دې د سیس سپیسیفک یوز نشته سوای د دې نه چې موږ کسٹم ماډیفای کولې شو ویب سایټ د یو کسټم لپاره ٹھیک شو سیملرلی هغه د ارکیټیکچر دی ارکیټیکچر کې دا خی چې دا 64 بیٹ دی کې 32 بیٹ دی موږ اوس کرنٹلی موږ سره سین انسٹال لی 64 بیٹ او 32 بیٹ ٹھیک شو ها دین علاوه که تاسو دما ډاکټر سره ما ڈبلیو ایس ایل خیلې کړ نو که دا کوډز په ڈبلیو ایس ایل کې رن کما نو هغه به مال سره جواب راکړي اوبال د وای چې لینکس ته او ایکس 64 ارکیټیکچر ته ٹھیک ده که دا ڈبلیو ایس ایل کې رن کیږي دا کو ڈبلیو ایس ایل بس تاسو ته باقي فهم ٹھیک ده چې دا څنګه کار کوي سیملرلی نورم بلډ فنکشنز دي چې کوم د اپریټینګ سیستم ریلیټډ دي بٹ یو ډونټ نیډ ऑल ऑफ देम دا صرف تاسو ته انډرستانډینګ د پاره ماده لیکلې دي چې دومره ټایپ اف ارګومنټس ټایپ اف فنکشنز موږ سره کې دي شي ٹھیک شو دغه فار ایگزامپل دا یو دا د او ایس ډاٹ ای او ایل ठीक था नो कसल तो वेलकम ओएस डॉट ईओएल ईओएल चे दे द प्रॉपर्टी दे करा प्रॉपर्टी पे का फंक्शन दे प्रॉपर्टी देखि कोरी द लक्ष्य द स्पेस रहा होता सरकारी यस सर द एंड ऑफ लाइन दे एंड ऑफ लाइन मतलब खदा उस लग इट नीड्स अ लिटिल एक्सप्लेनेशन बिकॉज़ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अब और अ स्टूडेंट ना तो ऑफिस के अगर तुम वेल मान तो पदे दा वो लिख लिख के दलते दा क्लिक वो लिख के हेरा जी भाई बस दा क्लिक कम बैक कर गई जी दा क्लिक ना कम बैक ना गई का बस मत सिर्फ तुम्हें पता था
دلته دي زي لاند اي او زي كي لكلي وي ال اف او سي ال اف تاسو به کتلی کوم نیګه دلی پته نشته کتل هم دی کنه اوس دلته نخ کاری پته نشته ول نخ کاری ال اف او سی ار ال اف نو ال اف چې دی هغه لینکس کی اوس کی او سی ار سی ار ال اف چې دی هغه په ونډوز کی اوس کی دواړه دی نیو لائن کریکٹرز لکه ګورم ما نوٹ پیڈ کھولو کو او زل تو لکم الائن او انٹر کم ٹھیک شو مچ دا کم انٹر ما دل تو ولو دا کم یو کریکٹر دے گنا دا کی بورڈ یو کریکٹر کو دے گنا نو لینکس دے تا بیکس دے کریکٹر دا بیک سلیش آر وائی سوری بیک سلیش این وائی او ونڈوز ور دا بیک سلیش آر وائی ٹھیک دا دے دوڑا کے دا فرق دے نو کتا سو یو فائل اولی کلو دا سی یو فائل ما اولی کلو گنا دا سی اور دس پہ لینکس کی ریڈ کوما اور ماں پہ ونڈوز کے دا فائل رائٹ کرے دے ٹھیک دا نو بیا بدا پہ ونڈوز کی ریڈ کی گی کہ لینکس کے بدا رائٹ کرے بھی نا ریڈ کی گی با خدا بٹھو لیو لائن ہی دیکھ بدا نیو لائنز نہیں خبر مانے پوچھ بھئی نو بیسیکلی دا ای او ایل تاستا نیو لائن کریکٹر خیچ اس تاستا نیو لائن کریکٹر سدے سی آر ایل ایف تے کا ایل ایف نو بیسیکلی دے تاستا سپیس ہو لگئی اکارڈنگ ٹو یور آپریٹنگ سسٹم ٹکس وغیرہ او کتا سو دل تا چینج کول غواړي د دې ځکه کوم بدلی یو زما خیال د سکرین ریزولوشن کم دی ځکه ما ته دلته نخ کاری خو دلته لیکلی لاندې سی آر ایل ایف او ایل ایف ٹھیک ده نو دواړو کې فرق دی ها تاسو ته پته ده نیو لائن کریکٹر سره ریلیټډ خبرې سیملرلی یوزر انفارمیشن هم دی نیټورک انټرفیسز هم دی سی پی یوز هم دی سی پی یوز دا خو چې ټوټل سی پی یوز دی کې څومره دی ٹھیک دا دا په کله پکاريږي دا فل حال پرې دی ځکه چې اوس ګورې دی کې ټوټل سی پی یوز دومره دی او دا هر یو ریلیټډ انفارمیشن هم درلا په جیسون کې درکو ٹھیک وغیرہ لکه فرض کوم تاسو دا کتل غواړي چې زما سرور چې کوم دی هغه څنګه دی تکړه دی که تکړه نه دی نو تاسو دا یو فنکشن کال کوي پته به ولګي چې څه دی څنګه دی ٹھیک شو خو دا سرور سره ریلیټډ خبرې فی الحال هم دا ډیر دی دې سر دا نور دومره دی ډیټیل کې کتو ضرورت نشته تاسو زما خبر باندې پوښ وینئ بټ دیر از ا موډیول وچ کین هیلپ یو کمیونیکیټ وذ اپریټینګ سسٹم فار ډیفرنٹ ٹائپس اف فنکشنز ٹھیک شو دا دینا ڈیر دی دا ماں صرف اصول لکھ لی سملرلی ہمارے پاس اور بھی ہیں یعنی ایک پاتھ ہے جو کہ بڑا ضروری ہے اور یو آر ایل ہے یہ بھی بڑا ضروری ہے پاتھ ہم کس لیے استعمال کر سکتے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی چیز ریڈ کرنی ہے ٹھیک ہے نا فائل ریڈ کرنا ہے تو پہلے اس فائل تک تو پہنچنا ہے نا پھر ریڈ کرنا ہے تو اس تک پہنچنے کے لیے آپ کے پاس یہ پاتھ کی ایک لائبریری ہے جو کہ ہم استعمال کر سکتے ہیں اس میں ایک فنکشن ہے جس کا نام جوائن ہے جوائن کیا کرتا ہے آپ اس کو دو سٹرنگ پاس کر کے دیں تو وہ ان کو کمبائن کر دیتا ہے ٹھیک ہوا دا چکل استعمال شو نہیں تھا سترگے نے پوئی گئی وہ اسٹل صرف اتنا سمجھے کہ پاتھ کی ایک کوئی لائبریری موجود ہے جو کہ لوگ کس لیے استعمال کرتے ہیں پاتھ کے ریزالو کرنے کے لیے یعنی میں نے ایک فائل کو ریڈ کرنا ہے تو میں یعنی اس کا پاتھ کریٹ کر سکتا ہوں یا مطلب دو سٹرنگس کو ملا کر ایک پاتھ کریٹ کر سکتا ہوں تو اب یہ اس کا ایک ایگزامپل ہے کہ میں نے سلیش فو اور پھر بار دیا ہے تو یہ ایسے کنسیڈر ہوگا کہ آپ کے پاس ایک فولڈر ہے جس کا نام فو ہے اور اس کے اندر پھر ایک فائل ہے یا پاتھ ہے جس کا نام کیا ہے بار صحیح ہے تو یہ اس طرح کی ایک وہ آپ کو کریٹ کر کے دے دے گا ریزولو یہ کرتا ہے کہ یہ چیک کرتا ہے کہ یا یہ پاتھ موجود ہے یا اگر ہے تو اس کو پاتھ میں کنورٹ کرو نارملائز بھی اسی طرح کا ایک فنکشن ہے فائل نیم اگر آپ چلو یہ ایک میں رن کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ کوئی اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یہ پاتھ کافی زیادہ ایکسٹینسولی یوز ہوتا ہے یہ بھی میں بتا دوں ٹھیک ہے کوئی چیز استعمال ہونا ہو یہ پاتھ ہمیشہ استعمال ہوتی ہے تو کانسٹ پاتھ از ایکول ٹو ریکوائر فرض کر لیں پاتھ اور میں کوئی پاتھ دے دیتا ہوں فار ایگزامپل میں ڈیٹا ڈاٹ جے سام کا پاتھ دیتا ہوں یہ والی جو فائل ہے اس کا میں پاتھ دینا چاہ رہا ہوں تو میں ایسے کر سکتا ہوں کہ میں ادھر لکھ دوں پاتھ ڈاٹ ریزالو ٹھیک ہے اور ڈیٹا ڈاٹ جے سو اور ادھر میں بس کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو اگر میں ایس کو پرنٹ کروں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ یہ ہمیں یہ دیکھیں یہ پورا اس نے پورا پاتھ ریزالو کر کے دیا ہے دے پاتھ تو سوئی چی رقم دا سر نہ اسٹارٹ شو بالکل اینڈ پورے تلے دا فائل تر نیم پورے تلے ایبسولوٹ پاتھ اس کو ایبسولوٹ پاتھ کہتے ہیں نا تو ریزالو کس لیے ہے ایبسولوٹ پاتھ کے گیٹ کرنے کے لیے آپ نے صرف فائل کا نام دیا ہے اور یہ آپ کو کیا دیتا ہے پورا ایبسولوٹ پاتھ دے دیتا ہے ٹھیک ہے نا اور سملرلی اور بھی ہے یعنی ایک ہمارے پاس پاتھ ڈاٹ
join है, dir name है, base name है. चलो base name मैं print करके बता देता हूँ. कॉन्स फर्स कर ले, d है. और यहाँ पे भी आप वो दे दें, यानी स्ट्रिंग का नाम दे दें, स्ट्रिंग डेटा डॉट json. ठीक है, तो ये आपको बताता है कि इसका बेस कौन है, यानी इसका इस फाइल का पैरेंट कौन है, वो बताता है. ठीक है, तो अगर कंसोल लॉक कर दें डी को, तो ये देखें. अच्छा सॉरी, ये सिर्फ फाइल नेम ही रिटर्न करता है. अच्छा, इसको हमें पाथ देना है. ठीक है, तो अगर मैं इस को प्रिंट कर लूँ तो इससे थोड़ा सा आसान हो जाएगा. फर्स्ट कर ले, मैं ये पाथ दे देता हूँ, ये वाला पाथ. फाइल का नाम इस पर नहीं है, ठीक है ना, मैं सिर्फ ये पाथ दे देता हूँ यहाँ पर. तो अच्छा हाँ, ज़खा शिदा खबर हम लोग मंस के रहा. देखिए, मैंने पाथ कॉपी किया है ना, और ये मुझे एरर देने लगा है. उसकी वजह मैंने शुरू में भी बताई थी, मैं भी बता रहा हूँ कि जब हम बैक स्लैश लगाते हैं कहाँ पे, स्ट्रिंग्स में. जब हम स्ट्रिंग्स में क्या लगाते हैं, बैक स्लैश, तो इसका क्या मतलब होता है, हम कुछ चीज़ इस्केप कर रहे हैं. यानी अगर मैं यहाँ लिखूँ बैक स्लैश सी, तो इसका कुछ अलग से मतलब होगा. अगर मैं लिखूँ बैक स्लैश एन, ये जिस तरह से यहाँ लिखा हुआ है बैक स्लैश एन, तो इसका स्ट्रिंग में क्या मतलब होता है, नेक्स्ट लाइन, तो या न्यू लाइन. तो इस केस में हम, यानी आपका ये स्ट्रिंग समझ रहा है कि आप कोई नई लाइन कैरेक्टर एंटर कर रहे हैं. तो इसको ठीक करने का तरीका ये है कि डबल स्लैशेस लगाएं एक के बजाय. इसका मतलब ये है कि मैं एस्केप नहीं करना चाह रहा, मैं स्लैश ही लगाना चाह रहा हूँ. एक तरीका ये है, ठीक है, ये जिस तरह से अभी मैं कर रहा हूँ ये करें. अब ये बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई मसला नहीं है. डबल बैक स्लैश लगाएं. ये सिर्फ विंडोज़ बीमारी था, लिनक्स की निश्चित बीमारी. ठीक था, इस एक ये तरीका है. दूसरा ये है कि फॉरवर्ड स्लैश लगाएं, बैक स्लैश ना लगाएं. फॉरवर्ड स्लैश का 60% कर कहीं हो, बस 40% देने कहीं. नो, स्टिक विद टू बैक स्लैशेस, ये ज़्यादा बेहतर है. उसमें कभी वो काम करता है, कभी नहीं करता. बाज़ एडिटर्स में करता है, बाज़ में नहीं करता. अब वीएस कोड में करता है. हमारा सर अदासी कोड हम सी वीएस कोड किम नहीं कही फॉरवर्ड स्लैश, नो बस वो बैक लगा, वही जान बेगम कही. ठीक देखा ना, जान लकार मुक हो रही. अच्छा, तो अब इसमें बेस नेम को हमने ये फॉरवर्ड किया है, और हम इसको प्रिंट कर रहे हैं, इसको कट कर रहे हैं, इसको सेव कर रहे हैं और चेक कर लें. तो देखें, ये हमें बता रहा है कि इसका, यानी इस पूरे पाथ में, ये जो पूरा पाथ है, इसमें बिल्कुल आखिरी फोल्डर कौन सा है, नोट्स. तो ये वही उसका नाम बता रहा है, समझ आई है. यानी इसमें कितने फोल्डर्स हैं, यूजर्स भी फोल्डर है, लिनोवो भी फोल्डर है, डेस्कटॉप, लेकिन इस पूरे पाथ में बिल्कुल लास्ट फोल्डर कौन सा है, तो ये आपको वो बता रहा है. ये जो बेस नेम है, बेस नेम का काम यही है कि आपको बिल्कुल आखिरी फोल्डर जिसमें सारे फाइल्स पड़े हों उसका नाम रिटर्न करके दे. वाई वी नीड दिस बमख की गुरु, कुछ कम अज़ कम पता इधर तशीदा से की, बिकॉज आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट हेयर. हमने अभी ना कोई डेटाबेस बनाई है, ना हम फाइल से रीडिंग कर रहे हैं, ना हम फिलहाल फाइल में राइटिंग कर रहे हैं, ना हमने API बनाई है. हम सिर्फ ये सीख रहे हैं कि एक लाइब्रेरी मौजूद है जिसका नाम पाथ है, जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर पाथ मैनिपुलेशन. हमारे कुछ भी करें, अब बात की गुरु चीज़ें संग इस्तेमाल ही. सिमिलरली जो नेसेसरी फंक्शंस हैं, कम से कम उनको तो समझ लेना कि जो ज़रूरी हैं, फिर उसके बाद उसको चेक करेंगे. अच्छा, नॉर्मलाइज भी. अच्छा, ext नेम आपको बताता है कि इसका एक्सटेंशन क्या है, ये भी कभी कभी ज़रूरी होता है ना. अभी मैं बता दूँगी क्यों ज़रूरी होता है. लेट सपोज मैं ऐसे लिखूँ, const ext इज इक्वल टू पाथ डॉट ext नेम. ext नेम मतलब एक्सटेंशन का नाम, फाइल का एक्सटेंशन क्या है. और इसको आप या पाथ पास कर दें या फाइल का नाम पास कर दें, जो भी आपकी मर्जी है. डेटा डॉट json, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, हाँ इसका एक्सटेंशन. इसको अगर मैं कंसोल लॉग करूँ, आपके ख्याल में ये कहाँ काम आ सकता है हमारा. ये देखें, ये इसने रिटर्न कर दिया है कि ये डॉट ext है. तो मुझे बताएं, हमें ये कहाँ काम आ सकता है. देर मस्ट बी अ गुड रीज़न कि एक्सटेंशन जो है वो हम क्यों चाहेंगे कि हमें एक्सटेंशन पता चले. फाइल अपलोड, यस, हम फाइल अपलोड कर रहे हैं और उसमें अलाउड है कि बस फाइल सिर्फ, यानी JPG हो या PNG हो, इसके अलावा कोई फाइल एक्सटेंशन अलाउड नहीं है. तो हम इससे चेक कर सकते हैं कि जो फाइल अपलोड हो रही है उसका एक्सटेंशन क्या है. ये हम करेंगे, इसी से करेंगे जिससे मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल इसी से चेक करेंगे. बल्कि टू बी ऑनेस्ट, पाथ में भी है और इसकी अलग से भी लाइब्रेरीज मौजूद हैं. अब एक लाइब्रेरी है, उसका नाम मल्टर है, मल्टर, MULTER. ये हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह. मल्टर जो है वो
फाइल के अपलोड करने के काम आती है। तो फाइल जब अपलोड कर रहे हों तो हम मल्टर यूज़ करेंगे, और मल्टर में फुट बिल्ट इन फैसिलिटी मौजूद है कि उसमें चेक करेंगे ये कौन सी एक्सटेंशन है। मल्टर खुद ये पाथ यूज़ कर रहा है बैक एंड पे, तो हमें ज़रूरी नहीं है कि हम ये फंक्शन यूज़ करें, लेकिन अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, कहने का मतलब ये। ठीक है, इससे देखें ना, अगर मैं यहाँ लिखूँ इफ़ ई एक्स टी इक्वल 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 डॉट जेसन, तो आप कंसोल लॉक करो यस, और अगर नहीं है तो कंसोल लॉक कर दें नो। ठीक है ना, तो इसका क्या मतलब है कि हम कौन से वाले फाइल्स अलाउ कर रहे हैं जिसका एक्सटेंशन जेसन। तो देखिए ये आप इस तरह से कंपेयर करके फिर कुछ कर सकते हैं इसके साथ। तो पाथ लाइब्रेरी काफ़ी ज़रूरी है एंड वी यूज दिम दिस अलॉट। ठीक है, सिमिलरली एक दूसरी लाइब्रेरी है जिसका नाम URL है, और उसको भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो मैं भी वो भी आपको अगर दिखा दूँ जल्दी से, तो अच्छा URL में तो मैंने कुछ नहीं लिखा, लेकिन मुझे नहीं पता मैंने इसमें क्यों नहीं लिखा, हम यहाँ से चेक कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। द कोर लाइब्रेरी सोमदा का पिंजपक दिखा दस एगनिश्ता, आप इधर लिख सकते हैं नोड URL। ठीक है, URL मॉड्यूल, तो ये नोड का URL मॉड्यूल है, और ये याद रखें कि ये नोड js.org/api/url में अगर आप जाएंगे तो ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, और नोड की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा कंपैरेटिवली मुश्किल है, ये मैं बता दूँ। तो अगर मैं इससे URL को समझना चाहूँ तो इट विल बी लिटिल डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड। देखिए इसमें काफ़ी सारी अननेसेसरी डिटेल्स हैं, अननेसेसरी नहीं कह सकते लेकिन हमारे काम वाली नहीं है जो हम चाहें। ठीक है, तो इसी वजह से इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को फिलहाल अवॉइड करें जब तक आपको समझ ना ना आए। तो W3 स्कूल में भी URL मॉड्यूल के काफ़ी सारे फंक्शंस मौजूद हैं, हम यहाँ से जल्दी से चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से मेथड्स हैं। तो देखें, अब एक पार्स का एक मेथड है, होस्ट का एक मेथड है, पाथ नेम का एक मेथड है, सर्च का एक मेथड है, ये सारे आपके पास किसके मेथड्स हैं, URL के मेथड्स हैं। और इसको ज़रा मैं जल्दी से अगर वो कर दूँ, रन कर दूँ, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि ये, और ये हमें रिएक्ट पे भी चाहिए होते हैं काफ़ी, उसमें तो खैर अलग से लाइब्रेरीज भी हैं इसके लिए, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि इस लाइब्रेरी का मतलब क्या है। आपको मैंने एक बात बताई थी, अगर आपको भूली ना हो, हम जब रिक्वेस्ट करते हैं क्लाइंट साइड से सर्वर साइड पे, तो उस रिक्वेस्ट के तीन पोर्शंस होते हैं, बल्कि दो पोर्शंस होते हैं, कौन कौन से, हेडर और बॉडी, यही दो पोर्शंस है ना। और हम जब डेटा ट्रांसफ़र करें फ्रॉम क्लाइंट साइड टू सर्वर साइड, तो हम, या सर्वर साइड टू क्लाइंट साइड, तो हम कहाँ किस किस तरीक़ों से फॉरवर्ड कर सकते हैं, हम उस डेटा को बॉडी में भी रख सकते हैं, हम उस डेटा को हेडर में भी रख सकते हैं, और हम उस डेटा को पैरामीटर्स में भी रख सकते हैं, पैरामीटर्स मतलब URL में रख सकते हैं। तो इस केस में ये जो आपको ये नज़र आ रहा है, ये इसमें URL भी है और साथ में डेटा भी है। URL कौन सा है, http://localhost/8000/default.html उस फाइल का नाम है, लेकिन इस क्वेश्चन मार्क के बाद जो लिखा हुआ है ना, ये सारा डेटा है जो कि हम, या पैरामीटर है जो कि हम फॉरवर्ड कर रहे हैं, किसे, इस URL को फॉरवर्ड कर रही है जो नीचे लिखा हुआ है, इसको हम ये फॉरवर्ड कर रहे हैं। अब किस नाम से फॉरवर्ड कर रहे हैं, उसका नाम है ईयर, और उसकी वैल्यू क्या है, 2017। ये एक वेरिएबल हमने पास किया, एंड लगा के दूसरा वेरिएबल भी पास करा सकते हैं, और एंड लगाते जाएं, समझ आई है। तो कहने का मतलब ये है कि हम URL में क्या पास कर सकते हैं, डेटा एक पेज से दूसरे पेज पे पास करा सकते हैं। अब हम ये चाह रहे हैं कि जब भी कोई localhost/8000/default.htm विजिट करे, तो ये साथ में ये दो डेटा भी फॉरवर्ड कर दें। इसमें कौन कौन सा डेटा है, ईयर और मंथ, और उनकी वैल्यूज़ हैं। तो ये जो URL मॉड्यूल है, ये क्या कर सकता है, ये आपके इस URL से ये वैल्यूज़ एक्सट्रैक्ट करके आपको प्रिंट करा सकता है। इसका काम ये है, URL मॉड्यूल का क्या काम है, URL से, URL के साथ कम्युनिकेट करना, URL से सारे काफ़ी सारी चीज़ें करना। ठीक हो गया ना, तो ये जो है ये टेस्टिंग में भी आपके काफ़ी काम आता है कि हम काफ़ी तरीक़ों से चेक कर सकते हैं। खैर, ये पहले वाला जो है ये चेक करता है कि ये URL वैलिड है या इनवैलिड है। यानी फॉर एग्जांपल इधर ये स्लैशेस ना लगे तो क्या ये URL वैलिड है, नहीं है वैलिड। अगर ये कोलन ना लगा हो तो भी वैलिड नहीं है। तो ये पार्स चेक करता है कि ये क्यू, यानी ये जो URL है ये वैलिड है या नहीं है। अगर वैलिड है तो इसका रेफरेंस ये यहाँ असाइन कर देता है। अब इसके पास, इसके बाद जितनी भी बातें हम करेंगे वो इस क्यू के साथ करेंगे, क्योंकि क्यू किसे पॉइंट कर रहा है, उस URL को जो कि पार्स हो चुका है, जो कि हमें पता है कि ठीक है। ठीक है, तो पहला काम हमने क्या किया, इसका होस्ट नेम देखा कि होस्ट नेम इसका होस्ट कौन है। होस्ट मतलब अगर मैं ऐसे लिखूं mail.gmail.com,
तो असल में ये क्या है, gmail.com है। अगर मैं लिखूँ फॉर एग्जाम्पल icp.edu.pk/results, तो असल में ये वेबसाइट क्या है? नहीं, असल में वेबसाइट क्या है? icp.edu.pk/results तो इसका एक पार्ट है। तो इसका होस्ट कौन है, असल में वेबसाइट कौन सा है? तो आप मुझे ये बताएं, इसका असल में वेबसाइट कौन सा है? लोकल होस्ट 8000, ये इसका वेबसाइट है ना। ये बाकी जो है ये तो इसका वो है, हाँ, यानी सब्सिडियरी पार्ट्स हैं। तो ये क्या रिटर्न करता है, ये जो होस्ट है ये आपको होस्ट का नाम रिटर्न करके देता है। ठीक है ना? जी जी जी, क्यूरी ऑब्जेक्ट है ना, असल में ये ऑब्जेक्ट ही है। इसी की वजह से तो हम ये सारे मेथड्स कॉल कर रहे हैं। मेथड्स नहीं है, प्रॉपर्टीज है, लेकिन स्टिल इट्स एन ऑब्जेक्ट। अच्छा, सिमिलरली क्यू डॉट पाथ नेम का क्या मतलब है कि आपने आप यानी अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया ना icp.edu.pk/results, तो ये स्लैश रिजल्ट्स जो है ना ये वेब पेज नहीं है ना, ये उसका पार्ट है। तो इस वजह से हम फिर इसको किस नाम से कॉल कर सकते हैं, पाथ नेम के नाम से कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पाथ नेम है। सिमिलरली सर्च, सर्च का मतलब ये है कि इसको कितने पैरामीटर्स पास हुए हैं, वो सारे मुझे बताओ कितने पैरामीटर्स पास हुए हैं। तो ये अगर आप सर्च लिखेंगे तो ये क्वेश्चन मार्क के बाद जितनी भी चीज़ें हैं वो रिटर्न करके दे देता है। दाच कल हम APIs वाई कर ब्या बदलता है मजेदा सुमर दकार शेर है। ठीक है, कि हम APIs में डेटा फॉरवर्ड करते हैं, उसको खोल के हम क्वेरीज रन करते हैं। तो हम कैसे URL से डेटा उठाकर उसको क्वेरी करेंगे, तो इस तरह से हम वैल्यूज को उधर से उठा सकते हैं। ये बड़ा ज़रूरी है कि आपको पता हो। वैसे तो XeOCO इंटरनली हमारे लिए कर लेता है, लेकिन अगर आप करना चाहें मैनुअली तो ये भी कर सकते हैं। गुरा सिर्फ नमूने इस दगे ना शे पाथ सशिष्टा OS सशिज मौजूद दे URL योशिष्टा FS योशे मौजूद दे शे कल ज़रूरत राशि गना ब्या ब्या असम इस दगा हुई हर रंग गई। ठीक था, बट सिर्फ नाम पता हो ये भी काफ़ी होता है। ठीक है ना, तो इसमें एम्फेसिस इस पे नहीं है कि आप यानी इसके नाम याद रखें, सिर्फ इसको समझें कि ये क्या किस लिए इस्तेमाल होता है। सिमिलरली देखें, देख हुई रिटर्न कहीं इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिंग। अभी ये देखें ये स्ट्रिंग की फॉर्म में रिटर्न कर रहा है, लेकिन अगर मैं लिखूँ क्यू डॉट क्वेरी तो इट रिटर्न्स एन ऑब्जेक्ट, पूरा प्रॉपर ऑब्जेक्ट इधर रिटर्न को चिकम के चिकम नेम्स दी अगर नोट्स शू और चिकम वैल्यूज दी अगर वैल्यूज शू। सही में कहना मूंगा वर्ड उच देना अगर रिटर्न शी दिसमरा पैरामीटर्स पास शिवी दी और अगर ना दे माता ऑब्जेक्ट जुड़ सी न पो फंक्शन क्वेरी मनी जुड़ेगी। सिमिलरली कजी उस दिन अगर क्वेरी ने द डेट द जोड़ सो करना तो दिन मुंगा द मंथ वगैरह भी रविस्ते शु दिन ईयर रविस्ते शु कर रविस्तल वर्ड ऑब्जेक्ट देगा ना क्यू डेट ऐसा शेष हो ऑब्जेक्ट शो उस दिन ऑब्जेक्ट पर बेसिस मैंने से का ईयर रविस्तल वर्ड का मंथ रविस्तल वर्ड से इजीली रविस्ते शम। सो इट्स अ की, यस। तो अगर मैं इसको सेव करके आपको रन कराऊँ तो मैं रन कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं इसको बंद कर दूँ। तो नोड मॉन बल्कि नोड ही सरेंड करना है URL ओ ये यहाँ पे नहीं है, ये दूसरी जगह पे है। ये जावास्क्रिप्ट से भी बाहर है। तो देखिए ये सारा कुछ ये रिटर्न कर रहा है। पहला लोकल होस्ट रिटर्न हो रहा है, दूसरा आपके पास फाइल का नाम यानी पाथ रिटर्न हो रहा है, दूसरा पूरा पैरामीटर रिटर्न हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिंग, और ये जो है ये हम ऑब्जेक्ट पे कन्वर्ट करके उससे एक नोड निकाल रहे हैं। इस तरह से ये हो सकता है। था सुबह URL मैंने कोशिश की। तो ये सारे कोर लाइब्रेरीज हैं जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और भी है जिसको HTTP कहते हैं, लेकिन फ़िलहाल उसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा। मुझे पता है कि वो कोर में है और मुझे पता है कि वो ज़रूरी भी है, लेकिन उसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा। उसकी वजह ये है, मैंने बल्कि यहाँ पे उसका उसकी एक फ़ाइल बनाई भी थी और वो मैंने बना कर डिलीट कर दी। सही है, और उसकी वजह ये है बल्कि मैंने मेरे ख्याल में यहाँ पर इसके वो भी लिखे हैं क्या है इसके जो उसका जो कोड यूजुअली हम लिखते हैं तो वो भी मैंने लिखा हुआ है, लेकिन अगेन आई डोंट वॉन्ट टू डिस्कस इट हेयर बिकॉज उस पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है। हम वैसे भी वो पढ़ेंगे एक्सप्रेस पढ़ेंगे ना, एक्सप्रेस जेएस हम पढ़ेंगे। तो HTTP जो है वो कोर मॉड्यूल है और उसका काम ये है कि उसके थ्रू हम APIs बनाएं। ठीक हुआ, लेकिन वो इंतहाई मुश्किल तरीके से APIs बनाते हैं। उससे एक इंतहाई आसान तरीका मौजूद है जिसको हम एक्सप्रेस जेएस कहते हैं।
तो हम एच टी टी पी मॉड्यूल इसलिए नहीं पढ़ रहे क्योंकि हम एक्सप्रेस जे एस पढ़े, उसको खबर मैंने कोई हुई। तो अगर मैं आपको दोनों पढ़ाऊँ तो फिर यानी आप कभी भी एच टी टी पी यूज़ नहीं करेंगे, समझ आई है? हाँ, आप वैसे भी एक्सप्रेस यूज़ करेंगे तो फिर फ़ायदा नहीं, ठीक है? तो यू डोंट नीड एच टी टी पी मॉड्यूल। अगर सीखना है तो मैं बता रहा हूँ कि सीख लें, लेकिन ठीक हो गया ना कि आसान शता ना बोले व्याखा मखा आसान नसीब आगे ताड़ा हुई, ठीक ना? अच्छा, इसको कहते हैं कोर मॉड्यूल्स, ये जो अभी हमने डिस्कस किए थे ये सारे क्या है, कोर मॉड्यूल्स हैं। अच्छा, ये जो इसके बाद हम पढ़ रहे हैं इसमें आप भी मेरी हेल्प करेंगे और मैं भी आपकी हेल्प करूँगा और सारे मिलकर ये डिस्कस करेंगे और हल करेंगे, ठीक है? क्योंकि इसमें से ज़्यादातर तो मुझे आते हैं, कुछ ऐसे हैं कि जो कि मुझे भी नहीं आते, तो वो हम मैं आपके सामने खुद सीख के और उसको इस्तेमाल करूँगा ताकि आपको पता चल जाए कि जो मॉड्यूल मुझे नहीं आते वो मैं किस तरह से सीख के करता हूँ, ठीक है? ताकि उसकी भी थोड़ी सी आपको अंदाज़ा हो जाए, क्योंकि मैं सारा नोट जेएस नहीं पढ़ा सकता, वो तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है, ठीक है? क्योंकि नोट जेएस जो है वो एक इंतहाई बहुत बड़ी लाइब्रेरीज़ का मजमूआ है, तो इसमें कुछ लाइब्रेरीज़ हमें आएंगी और कुछ नहीं आएंगी। जैसे उस दिन मैंने बाद में रियलाइज़ किया ये, लेकिन मैं आपको एक वो बताऊँ, जितना आप इसको खुद एक्सप्लोर करेंगे उतने ही आपको ज़्यादा समझ आएगी। उस दिन आपके सामने मैंने ये एक ऐप डाउनलोड की ना, नोट्स वाली, टू डू लिस्ट वाली, याद है ना, जिसको हमने रन भी किया और फिर चेक भी किया। तो इसके पैकेज डॉट जेसन के फाइल को जब मैंने खोला तो इसमें वो मॉड्यूल्स थी जो मैंने कभी नहीं देखी थी। फॉर एग्जांपल, इसमें एक मॉड्यूल है की कोड जेस, इसका नाम है। इसका क्या काम है ये मैंने देखा नहीं, लेकिन मैंने बाद में रियलाइज किया कि इसका क्या काम है। कोई मुझे बता सकता है कि इसका क्या काम हो सकता है? की कोड जेस नहीं पता है ना, तो फिर वो चेक कर लेंगे उधर उस पर डॉक्यूमेंटेशन में, पता चल जाएगा आसानी से। लेकिन मैं ज़रा आपको इसका इसकी वजह बताता हूँ कि ये मुझे क्यों बड़ी पसंद आई ये वाली लाइब्रेरी। और इस तरह से ही हम सीखते हैं कि किसी दूसरे बंदे के प्रोजेक्ट में चेक कर रहे थे अला दाह अला दर देर पास ना करे माओ बड़े मन डेर वॉरियम का। तो अगर इसको मैं रन करूँ npm start, तो ये भी रन हो जाएगा ना, और ये वो टू डू लिस्ट है ना जिस तरह से हम बना रहे थे, अभी ये रन हो जाएगा। अच्छा, ये रन हो जाए ना, तो अब देखें फॉर एग्जांपल मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ ना, तो देखें ये नीचे लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, तो इसे कैसे पता चला कि मैंने एस्केप प्रेस किया है? की कोड जेएस उस पोजीशन पर रहेगा ना, जैसे मैं लौड़ा हूँ, इसको कैसे पता चला कि मैंने, देखें मैं एस्केप प्रेस करता हूँ, अलर्ट प्रेस स्लैश टू सर्च एंड एन टू क्रिएट न्यू आइटम, तो ये मेरे कीबोर्ड को कैसे समझ रहा है? पोजीशन खबर मैंने कहा ना, ये मैं जब जा रहा था ना वापस, तो मैं रास्ते पे सोच रहा था जिदा की कोड जे समाप ख्याल दे पा रहे थे, ठीक है? और फिर मैंने जाके चेक किया तो ये इसीलिए है कि हम कीबोर्ड से अगर हमें यूजर्स की एंट्रीज चाहिए तो हम फिर क्या यूज़ करेंगे, की कोड। हाँ, इसको पता है कि कौन सा की प्रेस हुआ है, यानी अगर मैं स्लैश प्रेस करूँ ना तो देखिए इसे पता चल रहा है कि अभी स्लैश प्रेस हो गया है और वो उसने वो करना है। तो अगर आपने अपने कोई ऐसा ऐप बनाना है कि जिसमें शॉर्टकट्स हो, कीबोर्ड शॉर्टकट्स हो, तो आप कौन सा वाला मॉड्यूल यूज़ करेंगे? हाँ, दस रो रो एक्सपीरियंस उसी उस पर खबर हमारे पूछ हुई गई ना, ये मुझे भी नहीं पता था कि ये हम बड़ी मुश्किल से करते थे रिएक्ट में, ट्रस्ट मी। मुंगा चिदा कम यो प्रोजेक्ट करे भाई, मुंगा यूज़ को लगा टिक्स वगैरह खा मैन वाली मोला बलाडे लोग रविस्ते हुए पाए मैंने बोलो। इवन एस्केप का जो आस्की कोड है ना उसके साथ हम कंपेयर करते थे, लगा योशिस मौजूद होगा से टुकुना वाले टिक्स वगैरह, और उस पर हम बड़ा प्राउड थे चिद्दा हम डेढ़ ज़बरदस्त कार गड़े हैं। हालांकि कोई ज़रूरत नहीं है जब एक मॉड्यूल मौजूद है जो आपकी हेल्प कर सकता है। दिस इज़ जस्ट वन एग्जाम्पल कि आप सारा ये नहीं सीख सकते, आपको आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी। मैंने क्या किया है, मैंने आपके लिए ये लिस्ट बना दी है, ये एक छोटी सी लिस्ट है और इसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें डाल दी हैं और मैंने अपनी हद तक इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज भी किया है। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपको कोर लाइब्रेरीज चाहिए हो तो वो ये वाली है, ठीक है? अगर आपको इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज फॉर एवरीवन मतलब चाहे आप वेब में हो, चाहे आप मोबाइल में हो, चाहे आप एंगुलर में काम कर रहे हो, रिएक्ट में कर रहे हो, बैक एंड पे कर रहे हो, फ्रंट एंड पे कर रहे हो, ये आपके सारे काम आएंगे, ये जितने हैं ये सारे, समझ आई है? तो इसमें कुछ जीएस लिंट कोड लिंटिंग के लिए है, ये रे मैनिपुलेशन के लिए है, ये फेक डेटा जनरेट करने के लिए है, ये डेट्स के लिए है, अभी ये चाक डिस्कस करेंगे क्या है। नोडमॉन तो आप वैसे भी देख चुके हैं कि नोडमॉन क्या है, पीएम2 और फॉरएवर भी तकरीबन इसी के नज़दीक नज़दीक चीज़ें हैं, इसको भी डिस्कस कर लेंगे। और
इसके अलावा भी और भी ये .env है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन कहने का मतलब ये अच्छा वैलिडेशन के लिए अगर आपको लाइब्रेरीज चाहिए हो तो ये तीन यानी बिल्कुल स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज हैं जो कि लोग वैलिडेशन के लिए यूज़ करते हैं। कोड लिंटिंग के लिए अगर चाहिए हो तो ESLint है, JSLint है और Prettier है, ये यूज़ करते हैं लोग। और अगर फ्रंट एंड के लिए लाइब्रेरीज चाहिए हो तो ये सारी हैं, और भी है लेकिन ये मैंने कुछ लिखी है, इसमें हम ये डिस्कस करेंगे, समझ आई है? सारा नहीं करेंगे ना ऑब्वियसली। ये बैक एंड के लिए कुछ लाइब्रेरीज हैं जो कि हम इस्तेमाल करेंगे, और PHP फ्रेमवर्क में भी काफ़ी सारी लाइब्रेरीज हैं जो कि यूज़ हो सकती हैं, और ये बाकी मैंने सिर्फ आपके लिए लिखी हैं कि अगर आपको कल को कोई मौका मिले कि मुझे मेरे पास टाइम है तो और PHP फ्रेमवर्क्स में स्टडी करूँ तो इसमें से कोई एक कर लें, सही है? और इसको ऑब्वियसली हम सारा डिस्कस नहीं करेंगे, तो मतलब समझा देगा ना सीधा टूल नहीं डिस्कस के नहीं सुमर लाइब्रेरी सीरी दे ऑल कैन नॉट बी डिस्कस्ड। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस वन मॉड्यूल जो अभी आपके सामने मैं यानी चेक करूँगा और इसको मैं रन करूँगा, बल्कि मैं ऐसे करता हूँ कि मैं इसका एक प्लेग्राउंड बना लेता हूँ, ये नोट जेएस के अंदर मैं एक फोल्डर बना रहा हूँ प्लेग्राउंड के नाम से, ठीक है? और इस प्लेग्राउंड के अंदर मैं एक फाइल बना रहा हूँ, फॉर एग्जांपल माय मॉड्यूल्स डॉट जेएस, सही है? इसके अंदर मैं मुख्तलिफ मॉड्यूल्स को अभी टेस्ट करूँगा, चेक करेंगे कि कैसे काम करते हैं, ठीक है? तो इसको रन कैसे करें, आप यहाँ जाए सी जावास्क्रिप्ट में, कहाँ पे है, अच्छा कहाँ पे है कैसे चेक करेंगे, PM प्रेजेंटली वर्किंग डायरेक्टली लिखें तो वो आपको बताता है, आप C83 में नोट जेएस में है तो मैं इससे बाहर जाना चाह रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट में नोट जेएस में प्लेग्राउंड में जाना चाह रहा हूँ, और यहाँ पर मैं नोट मॉन के थ्रू एक फाइल रन करना चाह रहा हूँ जिसका नाम माई मॉड्यूल्स डॉट जेएस, ये वाली फाइल, सही है? अब अगर इसको मैंने रन करना है तो मैंने अगर एक्सटर्नल लाइब्रेरीज यूज़ करने हैं तो मैं क्या यूज़ करूँगा, मैं वो इसको इनिशलाइज करूँगा एज npm project, तो क्या लिखूँ मैं npm init, तो आज मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ npm init minus y, एंटर, बस जोड़ सही है ना, तब कुछ ना डेर ना कहीं बस आने अजीब प्लाने के वो डिगरे ना मैं से तो वैसे नहीं बस माइनस वाई मतलब बस ये सीखा ठीक देखा ना जिससे क्वेश्चन के बस ठीक थे माइनस वाई का मतलब ये ठीक है। तो देखें ये पैकेज डॉट json की एक फाइल बन गई है, सही है, जिसमें हम अभी इंस्टॉलेशन वगैरह कर सकते हैं। तो कोर मॉड्यूल के लिए तो इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं होती, वो तो पहले से मौजूद है, लेकिन जो नॉन कोर लाइब्रेरीज हैं उसके लिए हम क्या करेंगे, उनको इंस्टॉल करेंगे, जिस तरह से पिछली दफ़ा हमने npm install UUID की, याद है ना, तो UUID इस तरह से हम इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है? तो अब ये अच्छा ये जल्दी क्यों हो रही है, क्योंकि ये एक दफ़ा मेरा कंप्यूटर डाउनलोड कर चुका है और कैश में रख चुका है, npm का अलग से उधर कैश है आपके सी ड्राइव में पड़ा होता है, ये अभी उधर से इंस्टॉल हो रहा है, अगर कोई नई लाइब्रेरी होगी वो फिर उधर से डाउनलोड होगी, ताकि आपके कंप्यूटर पे भी बोझ ना पड़े बैंडविड्थ का और सर्वर पे भी बोझ ना पड़े, तो कुछ चीज़ें कैश कर दी गई हैं आपके सिस्टम में, सही है, इसीलिए जल्दी इंस्टॉल हो रहा है। अगर इसको मैं इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ तो मैं क्या लिखूँगा, UUID और require और UUID। अच्छा एक चीज़ मैं भूल गया था, भूला नहीं था लेकिन मैं मुझे चीज़ें बाद में याद आती हैं तो मैं सोच रहा था कि मैं वो आपको बताऊँगा। आपको npm scripts का पता है, npm scripts क्या है या start scripts क्या है या running scripts क्या है, मैंने आपको बताया था, हाँ क्या है, नहीं start scripts बताया था, what is start scripts, हाँ यानी package.json की फाइल में, ये package.json की फाइल है ना, इस package.json की फाइल में देखें ये scripts पहले से मौजूद है, इसको start scripts कहते हैं ना, start scripts कहते हैं। तो अगर मैंने स्टार्ट स्क्रिप्ट्स लिख लिए हैं, अभी मैं एक वजह से ही आपको बता रहा हूँ, मैं अगर यहाँ ऐसे लिख दूँ कि अगर हमने डेवलपमेंट सर्वर रन करना है तो आप ऐसे लिखें नोड मॉन स्पेस और फिर फाइल का नाम यानी माई मॉड्यूल्स डॉट जेएस, ये इसका नाम है। तो अब अगर मैं लिखूँगा npm run dev तो इसका क्या मतलब होगा कि ये वाली कमांड रन करनी है, हाँ उस दबर होता उस कड़े वगैरह जब तक दोबारा को ज़रूरत न हो खुदा में से कहूँगा चीतल तो एक्सटेंशन दे दाम इंस्टॉल करे दे कार एक्सटेंशन दे, इसका नाम है npm scripts, उसका नाम है क्या नाम है मुझे अभी भूला हुआ है, अभी मैं देख लूँगा, लेकिन ये मैंने वो स्टूडेंट को बताया फवाद को ब्रॉडर खुशहाल शो विदाउट द कार शेयर ठीक शो करा, तो मैं सोच रहा था ये आपको भी मैं समझाऊँगा। npm scripts नाम है या कुछ नाम है अभी मुझे भूला हुआ, इसमें है चेक कर लेंगे, खैर npm intelligence और
इस पे स्क्रिप्ट्स देखें, बस स्क्रिप्ट्स अगर है तो मुझे बताएं। अच्छा बाकी डिसेबल्ड है, npm scripts लिखे ना दा दे दा npm scripts थे सही था माँ खुदा ने इंस्टॉल करे माँ सर पता नहीं कमी इंस्टॉल दे, बट ये अगर इंस्टॉल करेंगे ना तो एक काम हो जाएगा बड़ा ज़बरदस्त। वो काम ये है कि दा राशि ला दे दा करे दा वस्ता सुनी npm scripts सही है, इस पे क्लिक करें तो दे तो पता लगे देखिए npm की कम कम स्क्रिप्ट थी ठीक था करें, तो इसे पता है कि प्लेग्राउंड के फोल्डर में आपने एक डेव वाला लिखा हुआ है सही था करें, पदे मैंने क्लिक करी नो बस रनिंग की दर था तो दादा प्ले बटन ना पदे मैंने क्लिक करी आओ बोरा रनिंग समझ आई है, तो आपको बार बार टाइप करने की भी जरूरत नहीं है समझ आई है। आगा खुली को करा npm रन डेव मुंगली को ने कहा सुख तुम रिलीज ही बीच npm रन डेव ने चली गले बदलता स्क्रिप्ट मौजूद थी बस दे मैंने सिर्फ क्लिक करी नो रनिंग की दर्द सही ना, इसलिए मैंने आपको बताया ये असल में मुझे नजर आया है तो इसी वजह से मैंने बता दिया है। पदे पूछ भाई इसकी समझ आई है ना, तो लेट्स स्टार्ट। और एक चीज़ मुझे पता है कि मैंने नहीं बताई और वो ये पैकेज लॉक डॉट जेसॉन है ठीक शुआ दाने दा दे दा यो फाइल जोड़ की पैकेज डैश लॉक डॉट जेसॉन, इसका मैं बाद में बताऊंगा कि क्या है, ये सिक्योरिटी के लिए है बस सिर्फ मैं इतना बता दूँ, ये है किस लिए सिक्योरिटी के लिए। और अगर आपके मॉड्यूल्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इस फाइल को डिलीट करके दोबारा से npm इंस्टॉल करें ठीक हो जाएगी, इसमें यानी हैशेज हैं वो हैशेज अक्सर डिफरेंट होते रहते हैं तो ये सिक्योरिटी के लिए है, इसकी कोई और ख़ास बात नहीं है। अब अगर मैंने UUID इस्तेमाल करनी है तो आप सिंपल लिख दें कंसोल लॉग के अंदर UUID डॉट और फिर इसके काफ़ी सारे फंक्शंस मौजूद हैं V5 तक हैं, फर्स्ट के लिए मैं V4 के फंक्शन को कॉल करता हूं और इसको मैं सेव करके रन करता हूं तो देखें इसने मेरे लिए क्या जनरेट किया है, एक ID। वाई वी नीड एन ID, फॉर वट पर्पज़ हमें इस ये चाहिए होगा, इसकी काफ़ी सारी वजूहत हो सकती है। मैं बता रहा हूँ कि एक रैंडम ID हमें क्यों ज़रूरी है, फ़र्ज़ कर ले टेस्टिंग है, मुझे ये बताया गया है कि यार इस वेबसाइट को टेस्ट करो और कैसे टेस्ट करो, इसमें कम से कम एक 50 अकाउंट्स बनाओ, तो मैन्युअली अगर मैं आपसे कहूँ कि 50 अकाउंट बनाओ तो बड़ा मुश्किल काम है, तो मैं क्या कर लूँगा मैं एक स्क्रिप्ट लिख दूँगा उसके लिए ठीक छुआ ना, तो स्क्रिप्ट बोलेगा वहाँ स्क्रिप्ट पर बस ई मेल जोड़ा ही लगे भाई ठीक छुआ, तो मैं क्या करूँगा मैं उसे लिखूँगा मंसूर प्लस UUID, तो ये एक ईमेल बन जाएगा, दूसरा मंसूर प्लस सेकेंड UUID दूसरा ईमेल बन जाएगा, तो हर दफ़ा मुझे पता है कि ये ID अवेलेबल होगी समझ आइए ना, तो अगर मैं 50 अकाउंट्स बनाऊँ तो 50 के 50 बना सकता हूँ विदाउट वरिंग के इसमें कोई कन्फ्लिक्ट तो नहीं है, या ऐसा ना हो कि उसमें वही वाली ID हो जो पहले से हो, तो ये तो पहले से हो ही नहीं सकती, ये तो यानी कम्प्लीटली यूनिक नंबर है, इसकी समझ आई है। तो हम अगर हमें कोई ऐसा टास्क दिया जाए कि जिसमें मल्टीपल ईमेल्स या मल्टीपल अकाउंट्स बनाने हो और आप ये चाहते हैं कि मैं एक ही स्क्रिप्ट से करूं, तो आप इसके साथ बस मैं ऐसे लिख दूंगा, आप देखें ज़रा गौर से इसको, मैं ऐसे लिख दूंगा यानी ऐसे प्लस और UUID बल्कि प्लस भी यहाँ हूँ तो ज़्यादा बेहतर ठीक है UUID। अब देखें ये हर दफ़ा सेव करने से इस तरह का एक ईमेल आपके लिए बनाएगा, यानी फॉर एग्जांपल this@gmail.com और ये नाम अपना मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जब हम टेस्टिंग करते हैं तो हम अपना नाम साथ में देते हैं, या इसके साथ हम यूजुअली QA लिख देते हैं QA ऐसे यानी क्वालिटी एश्योरेंस वाले हैं टेस्टिंग वाली, या इसके साथ हम ऐसे लिखते हैं टेस्टिंग प्लस और फिर UUID, तो इसका फ़ायदा ये है कि बाद में अगर हम टेस्टिंग कर लें तो वो फिर डिलीट कर सकें, तो वो क्या डिलीट करेंगे टेस्टिंग प्लस जो भी कुछ लिखा हो उनको क्या करो डिलीट कर दो बस, अगर टूल डिलीट की ठीक था, तो इससे ये काफ़ी ज़रूरी मॉड्यूल है UUID जिसके थ्रू हम IDs वगैरह जनरेट कर सकते हैं। अच्छा इसके अलावा कौन से मॉड्यूल्स हैं, इसके अलावा भी हैं यानी इसके अलावा जो मॉड्यूल्स हैं उसमें लेट्स सपोज हम इस एक मॉड्यूल ही को टेस्ट करते हैं जो कि ये कर रहा है ठीक है, तो इसका नाम keycode-js है, अगर आपने वो देखा हो तो ऐसे लिखा होता npm install keycode-js इस तरह से ठीक है, अगर मैं इसको इंस्टॉल करूँ ना हो तो मुझे एरर मिल जाएगा ना जितना निश्चा था तो 10 चीज़ इंस्टॉल किए जिकम निश्चा, लेकिन है अभी मौजूद है, तो यहाँ अगर मैं यहाँ लिखूँ npm और यहाँ लिख दें keycode-js ये गूगल आपको फाइंड भी कर देगा, ये देखें यहाँ पर है
यहाँ इस पर क्लिक करें पहले वाले पे, और की कोड भी है देखें दूसरा भी है, इसको खोल के चेक कर लें। तो देखें इन्होंने तरीका बताया है कि इसको कैसे इंस्टॉल करेंगे, दूसरा ये है इसकी यूजेज बताई है, इसको कैसे रिक्वायर करेंगे ऐसे, और ये देखें इन्होंने की कोड का के और सी कैपिटल लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है? नहीं देखिए आपके ख्याल में इसका क्या मतलब है, बगैर नीचे गए इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये है कि ये जो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं ये कोई क्लास है, कोई शो में खबर बनेगा द की कोड जे एस असल किस शेर है क्लास थे और द कॉमन जे एस इम्पोर्ट तरीका दा दा द ई एस 2015 मतलब ई एस 6 तरीका दा दा ठीक छो टाइप स्क्रिप्ट का इंक्लूड कोई ना तरीका दा दा आपको इंडिविजुअल मॉड्यूल देने इंक्लूड कोई ना तरीका दा दा इंडिविजुअल मॉड्यूल मतलब दर जमा सिर्फ इंटर बटन पकड़ दे नोर मिला दा पता नो दे उस इम्पोर्ट के लिए गया रहे वट इज़ दिस इम्पोर्टिंग आप की कोड जे एस की लाइब्रेरी से सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए क्या इम्पोर्ट कराओ इंटर वाली की बाकी कुछ ना कराओ तो हम इंडिविजुअल भी इंपोर्ट करा सकते हैं इसका मतलब ये है तो हम चूंकि कॉमन जेएस यूज़ कर रहे हैं तो मैं ये क्या करूँगा इसको मैं यहीं से कॉपी कर लूँगा और लेट्स सपोज मैं ये मिटा के ना और यहाँ पे इसको पेस्ट करूँ तो अब इंपोर्ट तो हो गया क्योंकि हम इंस्टॉल कर चुके हैं आपको याद है ना और इसको अगर हमने रन करना है तो आप नोड मॉन लिखें या वो अगर इफ़ यू आर फीलिंग वेरी लेजी तो उधर npm पे क्लिक कर दें ठीक है ना तो npm रन dev लिखें इससे भी रन हो जाएगा तो देखें ये इंपोर्ट हो गया अब हम इसके इस्तेमाल पे जाएंगे कि कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे अच्छा ये याद रखें कि npm को जो मॉड्यूल्स हैं वो आप npm के थ्रू भी इंस्टॉल करा सकते हैं और cdn के थ्रू भी लिंक करा सकते हैं तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं इसको नोड वाली फाइल में ये नहीं यूज़ करना चाह रहा मैं इसको html वाली फाइल में यूज़ करना चाह रहा हूँ तो फिर उसके लिए ये भी यूज़ कर सकते हैं ये जिस तरह से हम jQuery या bootstrap लिंक करते थे ना इस तरह से इसको भी हम लिंक कर सकते हैं इन्होंने फैसिलिटी दी है ठीक है और अगर आपने इस्तेमाल करनी है इन इन सारी कीज़ को तो ये इसकी पूरी वो मौजूद है डॉक्यूमेंटेशन और ये पूरा बताया गया है कि एस्केप के लिए आप क्या लिखेंगे और डैशेज और माइनस के लिए क्या लिखेंगे इक्वल के लिए क्या लिखेंगे और दा और पसीदा टूल की बोर्ड दें सच इस तरह से लिख ली समझ आई है तो इंतहाई आसान कर दिया इन्होंने समझ आई है मैंने इसको इस्तेमाल नहीं किया लेकिन मुझे पता है कि इस्तेमाल करना चाहिए था सही है अच्छा अब इसमें देखें ये जो है ना ये पूरा फंक्शन इन्होंने बनाया है और इस फंक्शन के अंदर काफ़ी सारे ये मॉड्यूल्स लिखे हुए हैं इसको अगर मैं कॉपी करूं और मैं एज इज पेस्ट कर दूं तो मुझे एक वर्किंग फाइल मिल गई वर्किंग फाइल ठीक है जो कि मेरे लिए सारा काम कर सकती है अच्छा इधर विंडो नहीं है हाँ आओ कहना दा एरर से राजी नहीं था सुबह खामा मत भी हवाई कहना दावले दल दल गई यार और ये एरर मुझे दे रहा ही था विंडो निष्ठा विंडो डॉट एड इवेंट लिस्टर निष्ठा जी एग्जैक्टली ये विंडो की जो वो है ये डॉम में है और नोड में तो डॉम नहीं है समझ आई है ना तो इसको हम बैक एंड पर इस्तेमाल नहीं कर सकते खबर हमारे कुछ भी करा तो दा यो मॉड्यूल ची दल तो उसमें कम लिखे ले देगा ना दा बैक एंड माने ना कहीं कर दा बचरता कर गई फ्रंट एंड माने और बटन ची खलक प्रेस कही चरता प्रेस कही हाँ पकड़ ची दा फ्रंट एंड ना कहीं कर दा बैक एंड अब अगर इस कोड को मैं उठाकर उसमें इस्तेमाल करूँ फ्रंट एंड में तो फिर ये काम करेगा ठीक ठाक सही है और उसके लिए हमें फिर रिएक्ट चाहिए होगा तो उसको फिलहाल छोड़ देते हैं ये जब रिएक्ट आएगा तो उसमें हम कर लेंगे लेकिन कहने का मतलब ये है कि इस दिस इज़ अ वेरी गुड लाइब्रेरी जो कि मैंने भी इस्तेमाल नहीं की तो इस्तेमाल कर लेंगे जब इसकी बारी आएगी ठीक है इसकी समझ आई है कि ये हम इस विंडो डॉट एड इवेंट लिस्टर के वजह से इस्तेमाल नहीं कर सकते ठीक छोड़ अच्छा सिमिलरली और कौन सी लाइब्रेरीज हैं जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छा ये तो खोल गई और कौन सी लाइब्रेरीज है वो टॉपिक्स पे चेक कर लेते हैं ना क्योंकि टॉपिक्स में मैंने सारे लिखे हैं चाक चाक तो खैर गलत ऐसी फंक्शन थी लाइब्रेरी देखो सर दस ऐसे खास शेयर है देखा था चाक मुझे पसंद है तो इसलिए मैंने लिखी हुई चाक जो है ना ये आपको कंसोल लॉग है ना ये जो नीचे यहाँ हमें कंसोल में चीज़ें नज़र आ रही हैं दलक हस्तक की बस ठीक देखा ना और इसका काम हम जब APIs बनाएंगे ना तब इसका बड़ा अच्छा रोल है इस पर जब जो एरर्स हो ना अगर आपको ये सारे ऐसे ब्लैक में नज़र आए ना तो आपको एरर फाइंड करना बड़ा मुश्किल होता है मुझे कम एरर्स दिया कम होंगे चाक मानी प्रिंट ना अलग सफाख कर दा एरर दे समझ आइए ना तो चाक एक लाइब्रेरी है इसको मैं अभी रन करता हूँ आपके सामने npm इंस्टॉल चाक इंस्टॉल कर लें और हाँ इधर आकर चाक चेक भी कर लें चाक से शेयर
काफ़ी अच्छी लाइब्रेरी है, मुझे काफ़ी पसंद है। हाँ ये देखे ना, इस तरह से कंसोल लॉग इस तरह से नज़र आएगा, तो सफ़ा खस्ता खस्ता करेंगे और इंतहाई आसान है इस्तेमाल करने में, बड़ा ही आसान है। इम्पोर्ट कर लें और बस चाक डॉट ब्लू लिखें कंसोल लॉग में, बस ब्लू की बार हेलो वर्ल्ड ऑफ करी, आसान है, इट्स वेरी सिंपल, ठीक शो है ना। और भी है इसके, और भी तरीके हैं, अभी करते हैं इस्तेमाल। बिकोरा कहना कहता है नोड नवे नो द जावास्क्रिप्ट से फ़ायदा हुआ नहीं, कुछ भी फ़ायदा नहीं था। तो चाक इंस्टॉल हो गया, आप इधर लिखते हैं कॉन्स्ट चाक इज इक्वल टू रिक्वायर चाक, ठीक है चाक रिक्वायर हो गया। अब हम यहाँ लिख देंगे चाक, काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी है, 3.2 KB की भी है, तुम्हारा कार्य ना सुमर चिघटा था ठीक शो कहना लगा गुजारा पा गई वर्सरा। चाक डॉट रेड लिख दें, चले रेड, और इसमें यानी कुछ कुछ दे दें, कुछ टेक्स्ट दे दें, फॉर एग्जांपल एरर कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल, बस इसको सेव कर दें। और इसको अगर मैं रन करूं, ऐप क्रैश हो तब बोले, अच्छा मुझे तो समझ आ गई क्यों एरर दे रहा है, लेकिन हाँ बस उस किस्मत खबर है ना, दे वो चीज़ें सिर्फ ES6 के कर गई, ES5 के ना कहीं कर, ठीक देखे ना, ये एरर दे रहा है कि आप ES6 के मॉड्यूल को ES5 में रिक्वायर नहीं कर सकते। तो ये चाक जो बना है ना, ये मेरे ख्याल में ES6 का है, तो अगर अदा बस सिर्फ इम्पोर्ट के कर कहीं बनोर के बना कहीं ना, नो अनफॉर्चुनेटली ये हमें नज़र नहीं आएगा, ये तब नज़र आएगा जब हम ES6 कन्फिगर करेंगे, सही है। खैर देखिए नूर खबर ही थी, ब्लू एक वो है, ब्लू कर सकते हैं, रेड कर सकते हैं, अच्छा ये BG रेड का मतलब है कि इसका बैकग्राउंड रेड होगा, और बोल्ड अगर लिखेंगे तो साथ में थोड़ा सा बोल्ड नज़र आएगा, गोरा कंसोल लॉग लग बखस्ताकारी, सही है ना। तो ये सिर्फ उसके लिए है चाक, ये हम जब APIs बनाएंगे तो उसमें ज़्यादातर जो डिबगिंग है ना वो कंसोल से होती है, बैक एंड सुमर डिबगिंग चाहिए आप सब बंदी हुई द कंसोल बंदी हुई आ टाइम की बमूंगा तभी इस्तेमाल हूँ, ठीक है। फ्रंट एंड की सारी डिबगिंग जो है ना वो हमें नज़र आती है कि बटन क्लिक किएगी ना क्लिक किएगी, बट अगर कोई एरर आ रहा है और वो सर्वर का एरर है तो वो तो कंसोल में नज़र आएगा ना, तो उसके लिए हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। खैर दा उसने कहीं कर्जे कहीं दे वही चिता सु ES6 कन्फिगर कहीं ना, यो मिनट मेरे ख्याल में Node.js का एक एडिटर है ES6 का, ये ES6 कंसोल इसका नाम है, ये इसके अंदर आप ES6 वाला सारा कोड लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें, ठीक है इसमें रन भी कर सकते हैं, एक JS Fiddle भी है और भी काफ़ी सारे हैं जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर मैं ये चाहूँ कि मैं देखें इसमें बेबल पहले से इंस्टॉल है, तो बेबल जब इंस्टॉल होगा तो इसका क्या मतलब है कि हम ES6 कोड को इस्तेमाल कर सकते हैं, ये वैसे मैं आपको खुद भी बताऊँगा कि ये कैसे करेंगे, लेकिन यानी अभी मुझे नहीं पता कि इसमें हम यानी वो रन कर सकते हैं या नहीं, क्या है नोड मॉड्यूल्स ना, देखो वो नोड इंस्टॉल ही का बनी माता नहीं पता, ES6 तो चलो है नोड है या नहीं है क्योंकि उसमें भी हमें लाइब्रेरीज वगैरह चाहिए होंगी, लेकिन यहाँ पर हम अगर ऐसे लिखना चाहें ना इम्पोर्ट स्टार फ्रॉम ./ और फर्स कर ले नोट्स, तो ये दा टिक दे देगी मसला निश्चा। अब अगर हम इम्पोर्ट स्टेटमेंट इस्तेमाल करना चाहें ES6 में तो कर सकते हैं, इसको छोड़ दें, हम बेबल वैसे भी कन्फिगर करेंगे अपने लिए, वैसे भी कन्फिगर करेंगे तो इसकी फिलहाल ज़रूरत नहीं है। ये इंशाल्लाह होपफुली हम नेक्स्ट वीक के स्टार्ट में मैं आपको बेबल कन्फिगर करना सिखाऊंगा ताकि ये मसले बंद हो जाएं कि बाज मॉड्यूल्स ES5 के हैं और बाज ES6 के हैं, चिदा मसले हल शी, ठीक छुआ ब्याह बच्चे कल हम नोड के कार को अवल बस कहूँ बेबल पर कन्फिगर कहूँ, ठीक छुआ, और मैं एक फोल्डर बना दूंगा बस उसी फोल्डर को आप इस्तेमाल करें तो उसमें बेबल ऑलरेडी कन्फिगर होगा, लेकिन आपको खुद भी कन्फिगर करना आना चाहिए कि कैसे कन्फिगर करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट से नेक्स्ट क्लास में होपफुली इंशाल्लाह उसको डिस्कस कर लेंगे। बस वो गई फिलहाल, तो चाक मॉड्यूल क्या करती है बस कंसोल रन के, सही ना, अच्छा नोड मान को तो आपको पता है, और ये PM2 और फॉरएवर यही चीज़ है लेकिन इंतहाई पावरफुल है, ये सर्वर्स पे यूज़ होती है और ये मैंने भी अभी भी यूज़ की है, इनके नाम भी मुझे नहीं बताते, ठीक शुभ जिक्र चिता दे ज़रूरत माता ने रहा चलता। ये PM2 जो है PM2 ये एक इंतहाई ज़बरदस्त मॉड्यूल है
जिसके थ्रू हम काफ़ी सारा कुछ कर सकते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी सीखी है ना, तो मैं अभी से आपको सिखा दूँ तो आपके लिए आसानी रहेगी। नोड नोड मोन से कही जावास्क्रिप्ट की फाइल को रन करके और उसको ऑन सेव रिफ्रेश करता रहता है, दस ही था। जब सेव करें तो री रन करता है, जब सेव करें तो री रन करता है, दस ही कही है ना। नो दस ही दे दम एग्जैक्टली दस ही दे बट विद अ डिफरेंस। इसको हम कहेंगे कि बस रन करो और द द गुरा दस से खबर होगा चिकन हम नोड मोन यूज करोगे ना, नोड मोन नो जिद द चिकम कमांड प्रॉम्प्ट थे दस यूज को लेशम से बल से दबा रहा ना द को बस नोड मोन नहीं होगा ना और तरगे पूरे से दानश हम यूज को लेशे तरगे पूरे नोड मोन रनिंग के दस दा नो द पी एम टू जी देगा ना दे दस चलो की चीज दे ऐप ना द दे फाइल ना सर्विस जोड़ की सर्विस भेजा नहीं ऑपरेटिंग सिस्टम की ओर शेद है तो सर्विस वही या वो तो डीमन वही ठीक हुआ। सर्विस किसे कहते हैं कि आप इससे इस अपने एक फाइल से सर्विस बनाएं और ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले करें और ऑपरेटिंग सिस्टम से कहें कि दा बस तरन कवल गया उसा फॉर एवर और दिल तेमा दमक आया बस बैकग्राउंड में रन करो, समझ आई है। तो ये जो पी एम टू है ये आपके लिए चीज़ें बैकग्राउंड में भी रन करा सकता है, समझ आई है, पैरेलल में भी रन करा सकता है। ये अगर आप चाहें कि मेरे पास पांच प्रोसेसर्स हैं और मैं चाहूं कि मेरी एक फाइल पांच प्रोसेसर्स पर रन हो तो भी हो सकती है। दिस इज एक्सट्रीमली पावरफुल देन नोड मोन, इसीलिए ये सर्वर्स पे यूज़ होती है ठीक है। तो कैसे था इंस्टॉल कौन सा पसंद है कोमा एन पी एम इंस्टॉल पी एम टू कर लें और आपके लिए पी एम टू इंस्टॉल कर दी जाएगी। फॉर एवर भी यही चीज़ है लेकिन फॉर एवर थोड़ी सी कमज़ोर है कंपेयर टू पी एम टू, लेकिन ये तीन ही यूज़ होती हैं, ये ड्यूरिंग डेवलपमेंट होती है और पी एम टू और फॉर एवर सर्वर पे होती है, जब हम फाइल अपलोड कर लें तब होती है ठीक है ना। चलो ये हो जाए फिर पता चलेगा। डॉट env ओ ये बड़े काम की चीज़ है, ये मेरी पसंदीदा तरीन चीज़ है ये वाली, इसको भी देखेंगे अभी। खैर ये हो जाए तो फिर ये वैलिडेशन वगैरह फिर बाद में कर लेंगे, कोई मसला नहीं। एंड वी आर गेटिंग वेरी क्लोज टू स्टार्टिंग रिएक्ट इंशाल्लाह, सही है ना। जीएस में हाँ है, टेंसरफ्लो जीएस मौजूद है करता है आपके लिए, पाइटॉर्च जीएस भी है, पाइटॉर्च जीएस भी है। ये देखें ना टेंसरफ्लो एक लाइब्रेरी है जो कि गूगल ने बनाई है और वो हम यूज़ करते हैं डीप लर्निंग के लिए। तो डीप लर्निंग का मतलब है कि हम जीपीयूज़ का इस्तेमाल करेंगे ना, एआई में जीपीयूज़ का इस्तेमाल होता है। तो टेंसरफ्लो जो है ना उसका जीएस मौजूद है, ये टेंसरफ्लो जीएस, टेंसरफ्लो फॉर नोड जीएस, सही है। फेसबुक का भी एक वो मौजूद है, फेसबुक ने भी अपना एक डीप लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाया है इसी की तरह टेंसरफ्लो की तरह, उसका नाम पाई टॉर्च है। तो इसके साथ अगर मैं जेएस लिखूं तो इसका जेएस वर्जन मौजूद है, ये देखें पाई टॉर्च जेएस मौजूद है। ये आप टॉर्च इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन जावास्क्रिप्ट में। सिमिलरली ओपन सी वी एक लाइब्रेरी है जो कि इमेज प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल होती है, इसका भी जेएस वर्जन मौजूद है, ये ओपन सी वी डॉट जेएस। तो आप अगर एआई में जाना चाहते हैं यू डोंट नीड एनी अदर लैंग्वेज, जावास्क्रिप्ट इज़ मोर देन इनफ टू एकोमोडेट। हाँ इसीलिए तो मैं पढ़ा रहा हूँ, समझ आई है। मैं खुद पाइथन की बैकग्राउंड से आया हूँ इस पर और जावा के बैकग्राउंड से, तो ये मुझे ज़्यादा पसंद इसी लगी कि ये डाइवर्स है। मोबाइल हम तेरे की ए आई हम तेरे की वेब हम तेरे की टूल करूँ तेरे की टेस्टिंग हम तेरे की ठीक देख रहे हैं भला करूँ की दिस इज नेसेसरी की आपको बताओ ठीक है। बस बता किसे बैठे अल रीजन हो टू टू कट इट वेरी शॉर्ट। जब आप ए आई स्टार्ट करते हैं ना तो पहले पहले बिल्कुल फर्स्ट स्टेप में आप डिसाइड करेंगे ना चिता सुकम तरफ तक पड़ेगी। Do you want to do AI in text or in audio or in video?
वीडियो स्लैश इमेज तत्वाड़ यो शे वीडियो तस्वीर यो शे है ना, इन तीन में से किसी एक को चूज कर पहला खबर आपको बता रहा ठीक छो। अब एआई इंप्लीमेंट हो सकती है किस किस डोमेन पे, टेक्स्ट डोमेन पे, ऑडियो डोमेन पे और वीडियो और इमेजेस डोमेन पे। इनके अलावा एआई इस्तेमाल नहीं हो सकती क्योंकि कंप्यूटर में डेटा ही यही चार किस्म का है और है ही नहीं। तो फर्ज कर ले आपने चूज किया कि यार मैंने टेक्स्ट पे अप्लाई करना है ठीक छो, तो फर्स्ट थिंग दैट यू नीड इज मशीन लर्निंग। आपने मशीन लर्निंग सीखनी है, लेकिन मशीन लर्निंग से पहले आपने डेटा साइंस सीखनी है। डेटा साइंस क्या मतलब आपको मैं जल्दी समझा दूँ। डेटा साइंस का मतलब है कि मुझे एक टेक्स्ट फाइल मिल गई है, इस टेक्स्ट फाइल को मैं कैसे साफ करूँ, इससे अननेसेसरी डेटा डिलीट करूँ, इसमें जो मेरे काम का डेटा है सिर्फ उसको छोड़ूँ, इसमें 50 कॉलम्स हैं CSV का डेटा है CSV का और उसमें काफ़ी सारे कॉलम्स हैं, उनमें से मुझे सारे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये पहले 5 कॉलम्स चाहिए तो बाकी के मैं हटा दूंगा, इसको डेटा क्लीनिंग कहते हैं। फिर ये डेटा जो है ना ये सारा यानी टेक्स्ट में है, यानी फॉर एग्जांपल सबके नाम हैं, तो ये नाम टेक्स्ट प्रोसेसिंग कंप्यूटर के लिए बड़ी मुश्किल होती है, तो मैं इन नामों को ASCII में कन्वर्ट कर दूंगा ताकि कंप्यूटर जल्दी से समझ जाए, समझ आई है। तो मेरे लिए तो वो टेक्स्ट है लेकिन कंप्यूटर के लिए वो नंबर्स हैं, तो नंबर्स प्रोसेस करना आसान है या टेक्स्ट नंबर्स, तो इसको हम डेटा रैंगलिंग कहते हैं या डेटा कन्वर्जन या ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं कि हमने डेटा को ट्रांसफॉर्म किया। तो डेटा को लर्न करने से पहले उसको पहले साफ करते हैं, इस चीज़ को कहते हैं डेटा इंजीनियरिंग ठीक हुआ। डेटा साइंस में सबसे पहला स्टेप यही है कि आप डेटा को अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक साफ करें, जब वो साफ हो जाए एंड इट इज़ रेडी टू बी लर्न फ्रॉम, तो उसके बाद आपकी मशीन लर्निंग स्टार्ट होती है। आप किसी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उठाएंगे और उसको अपना ये फाइल दे देंगे, उससे वो लर्न कर लेगा और वो आपको फिर जवाब देता है। फॉर एग्जांपल मैंने वेदर का डेटा लिया 2 साल का और उसको मैंने एक मशीन साफ किया बिल्कुल ठीक ठाक, उसकी सफाई सुथराई करके मैंने एक मशीन के हवाले किया, उसने सीख लिया। मैं उससे फिर पूछता हूँ कि यार कल अगर ये मौसम है तो बारिश होगी या नहीं होगी, तो वो बेस्ड ऑन इट्स प्रीवियस डेटा मुझे प्रेडिक्ट करके बताता है कि होगी या नहीं होगी, इसको रिग्रेशन प्रॉब्लम कहते हैं ठीक है ना। तो मशीन लर्निंग जब एक दफ़ा आप कर लेना मशीन लर्निंग, तो आपको अंदाज़ा होगा कि मशीन लर्निंग काफ़ी वीक चीज़ है। उसकी वजह यह है कि मशीन लर्निंग में आप अगर डेटा बहुत ज़्यादा दे देंगे ना नागा और तपजड़ाशी, समझ आई है संग बजड़ाशी, कि वो चीज़ों को फिर सीखने के बजाय याद करना स्टार्ट कर लेता है। नो याद और भूख नहीं करना लाइक ऐसा और तो नदीम तस्वीर वर्ग में 5000 साल नो दे बस यो हद पूरे कोई इज्जत की करा आखिर के पेराठा वाल शुरू की, जिसको ओवर फिटिंग कहते हैं उसमें AI की जुबान में ओवर फिटिंग कहते हैं, वो उसको रटा करना स्टार्ट कर लेता है। तो उसको रोकने के लिए यानी इन अदर वर्ड्स अगर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स को आप एक हद से ज़्यादा डेटा देंगे तो वो आपकी एफिशिएंसी डिक्रीज होगी और एफिशिएंसी इंक्रीज नहीं होगी। तो इन अदर वर्ड्स मशीन लर्निंग का एक लिमिट मौजूद है, कोई एल्गोरिदम 70% एक्यूरेट होंगे, कोई 80% एक्यूरेट होंगे, कोई 75% एक्यूरेट होंगे, कोई 85% एक्यूरेट होंगे। लेकिन डीप लर्निंग एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा दुनिया में एक रेवोल्यूशन आई है 2014 के बाद कि अगर आप उसको 200,000 डेटा दें तो उसकी परफॉर्मेंस अगर 90% है तो 300,000 देने से 99% बन जाएगी और 400,000 देने से 100% बन जाएगी, समझ आई है। जितना डेटा होगा उतना ही वो एक्यूरेट होता जाएगा। तो डीप लर्निंग इज एक्चुअली अ टेक्निक दैट इज़ यूज्ड फॉर AI और स्टेट ऑफ द आर्ट डीप लर्निंग ही है। यानी अगर आप चाहें कि आप AI में काम करें तो मैं आपसे कहूँगा कि डीप लर्निंग आपको आनी चाहिए, समझ आई है। तो जिस तरह से अगर आप जावास्क्रिप्ट में काम कर रहे हैं तो आपको Node.js आना चाहिए, समझ आई है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको डीप लर्निंग कहते हैं। तो डीप लर्निंग की ये लाइब्रेरीज हैं जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन डीप लर्निंग से पहले आपने मशीन लर्निंग सीखनी है ना, वो तो ऑब्वियसली सीखनी है। हाँ अच्छा, क्या इंस्टॉल किया हमने थोड़ी देर पहले, PM2। अच्छा PM2 से अगर आपने इस फाइल को रन कराना है ना, इस वाले फाइल को, ये जो mymodule.js है, तो हम ऐसे लिखेंगे PM2 और स्टार्ट और mymodule.js। अच्छा मेरे ख्याल में ये ऐसे होगा, अच्छा कमांड नॉट फाउंड npx pm2। जब कमांड नॉट फाउंड वाला आए ना तो इसके साथ npx लिखे, npm ना लिखे,
और ये मैं फिर बाद में बताऊँगा कि क्या है. npm pm2 और npx pm2 start और my modules. तो अभी ये रन हो जाएगा, इंस्टॉल भी हो जाएगा. देखें ये रन कर दिया इसने, इसको रखा था सूर उदय की सेव का ख्याल हमने. इट इज़ क्रिएटिंग अ सर्विस आउट ऑफ दिस फाइल, समझ आई है. और ये बार बार इसको देखें रन कर रहा है और बंद कर रहा है. ये देखें अभी ये स्टॉप्ड है, यानी इस पर मैंने कोई गलती की है इसके रन करने में. लेकिन इमेजिन करें एक सेकेंड, इसको बंद कैसे करेंगे ना, क्योंकि ये तो अब बंद कर रहा है और वो कर रहा है ना. इसको शायद अगर नहीं नहीं कंट्रोल सी से ये नहीं होगा. मैं बता रहा हूँ कि ये किससे होगा. ये असल में कंट्रोल सी से इसलिए नहीं होता कि देखें दिल तले गौर सरो करिएगा ना, इट हैज़ एक्चुअली रन दिस थिंग और क्लोज इम वो बंद है उसका रनिंग के ना उसका ख्याल ले. तो इसको स्टॉप करने के लिए हमें कमांड प्रॉम्प्ट का सहारा लेना पड़ेगा. यहाँ मैं वो लिखूँगा पी एम टू लिस्ट, ठीक है, पी एक्स पी एम टू लिस्ट. अब मुझसे गलती हुई है ना, अच्छा दादा से ना स्टॉप की खा था पहले लिस्ट कही हो गया भाई तो देख पल कमांड दे पाई मारी था स्टॉप की कहता इट्स नॉट दिस सिंपल कि मैं इसको इस तरह से बंद करूँ. फिलहाल इसके इसके मैं उसको किल कर रहा हूँ, क्या है टास्क मैनेजर से इसको किल कर रहा हूँ ताकि ये बंद हो जाए ना. इस पूरे वी एस कोड को मैं किल कर रहा हूँ क्योंकि अगर ये ना करूँ ना तो फिर मेरी मेमोरी फुल कंप्लीट वो हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी. सही, अच्छा मेरे ख्याल में खुद भी बंद ही हो गया वो यारे दो रखता खला करा उसका सही लग रहा. तो इस वजह से चलो पी एम टू जब हम सर्वर्स पे डिप्लॉय करेंगे ना, मैं आपको इंशाल्लाह इसका इसके डिप्लॉयमेंट बताऊँगा जब हम अमेज़ॉन सर्वर पे डिप्लॉयमेंट करेंगे तो मैं आपको इस पी एम टू मॉड्यूल का एक्चुअल यूज़ बताऊँगा. लेकिन इधर इसके बताने का मकसद ये है कि ये भी नोड मॉन ही की तरह है लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन और फीचर्स मौजूद हैं. ठीक है, अब लोडैश है, लोडैश तो मैं कल भी बताया है एरे मैनिपुलेशन के साथ काम आता है. ठीक है, ठीक है, लोडैश है तो ये हो जाए तो फिर सिर्फ वैलिडेशन रह जाए. तो वैलिडेशन भी इंशाल्लाह हम करेंगे, वैलिडेशन को वैसे भी हम यूज़ करेंगे लेकिन मैं सिर्फ इधर इसलिए बता रहा हूँ कि आप इस नोड के उसके साथ फेमिलियर हो जाएं एनवायरनमेंट के साथ, बाकी तो कुछ भी नहीं है. बिल्कुल बदर कम रफ़ी, अब मुझे आपकी वाली लिस्ट ईमेल नहीं हुई अभी तक, मुझे नहीं मिली. मैंने आप आज ही इनको सेंड करना है तो मुझे वो अभी फॉरवर्ड करें. जब बता दी तो सेंड कर दी, व्हाट्सएप इश्ता कर मैं देखा जब सेंड कर फिक्र वहाँ सारा लिस्ट डाले वहाँ से भी लाल मोर खड़े रहे पागा यूजे रहे जब वेलकम दी थे बेबले तो बेफिक्र जब जब छोड़ो लेकिन मुझे दस्त मैं हाँ हाँ सही. तो इसकी समझ आई है, अभी लोडैश इंस्टॉल हो गया तो लोडैश को हम सिर्फ वो कर देंगे इंपोर्ट कर देंगे ना कॉन्स्ट लोडैश मेरे ख्याल में यही है ना. अच्छा लोडैश इज इक्वल टू रिक्वायर और लोडैश तो लोडैश को इस्तेमाल करना तो बड़ा आसान है, यानी इसमें इसमें कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है, सिर्फ ये देख लें कि इसके फंक्शंस कौन से हैं. ठीक है ना, खुदा डर दकार शेदे दा लोडैश शेदे दा लगा दस तजोख है मगर ना इट हैज़ मिलियंस ऑफ डाउनलोड्स पर वीक. अगर मैं इसको ज़रा 45 मिलियन 4,50,00,000 कसानी वीकली डाउनलोड पे, ठीक है ना. नो समझ आई है, ये रिकमेंड करते हैं कि आप इसको एज हाँ वाले जगह चिताब तकरीबन हर एक प्रोजेक्ट की इस्तेमाल ही है. ठीक था, तो लेकिन इट्स नॉट रिकमेंडेड कि आप इसको ग्लोबल करें क्योंकि मैं इसमें इस्तेमाल करूँगा और आपको मैं अपना नोट मॉड्यूल्स का फोल्डर दूंगा तस वो चिदे नो ब्या वो चिताब कारण कही ऐसे हमारा रव लेगा लो कारण कही. ठीक देखें, अच्छा तो इसमें इतनी कैटेगरीज हैं. देखें अगर मैंने एरे के लिए इसको इम्पोर्ट करना है तो मैं ऐसे लिखूँगा एरे रिक्वायर लोडैश स्लैश एरे, तो इसमें मेरे सिर्फ वो वाले मॉड्यूल्स इंक्लूड होंगे जो कि एरे से रिलेटेड हो और दा पूरा लोड कही पूरा लाइब्रेरी लोड कही था दा कोर लाइब्रेरी लोड कही और वो तरीका था चिता सुबह अंडरस्कोर नाम और कवाई जगह चिदे रिकमेंड दिस. समझ आई है, अगर मैंने लोडैश को इंपोर्ट करना है तो मैं मुझे ये करना पड़ेगा ये मैंने लोडैश लिखा ना दम टिक दे वो कन्वेंशन दा दे त
تاسو چې انټرنیټ باندې څومره هیلپ ګورئ د لوډیج نه داسې نو خپل مولا داسې نه مور کوي نو پته بنی ٹھیک ٹھیک ہے خو بھائی اچھا اس کو استعمال کیسے کریں اس کی یہ پوری ڈاکومنٹیشن ہے یہاں پہ یہ اس کی ریپوزٹری ہے اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں لیکن یہ چونکہ اتنی بڑی لائبریری ہے کہ اس کے صرف یعنی امیجن کریں کہ اس میں 8000 سے زیادہ کمٹس ہوئی ہیں اتھا ذرا زلدہ بدل شوے دے اکوڈ اور امپروو شوے دے نہ دا لگا دس از اے لاٹ ٹھیک دا نو کتا سو دل تک ڈاکومنٹیشن کا فرض کا وہ دل تک ٹھیک نہیں سو وی کین آلویز لک فار لک ان دا گوگل کہ ادھر لکھ دیں فار ایگزامپل لوڈیش ایرے ٹیوٹوریل صحیح ہے تو آپ کو یعنی مختلف وہ مل جائیں گے ٹیوٹوریلز مل جائیں گے جو کہ ہمارے لیے یعنی ایرے کے کام آتے ہیں ایرے کے مینیپولیٹ کرنے کے کام آتے ہیں جس طرح سے اس دن ہم یہ دیکھیں اب یہ کیا کر رہا ہے یہ آپ کے خیال میں کیا کر رہا ہے چلیں اسی کو کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو میں یہ سمجھا دوں کہ یہ کیسے کرتا ہے دائی وہ ایرے دیکھا نا ورڈس نام آئے نا ٹھیک شو اگر میں کنسول لاک کروں یہ انڈر اسکور سے امپورٹ ہوا ہے نا انڈر اسکور ڈاٹ فسٹ ٹھیک ہے اور ورڈس تو یہ ہمیں کیا ریٹرن کر کے دے گا ہاں جو فسٹ ٹھیک ہے نوڈ مون اور مائی موڈیز پھر دیکھیں اس نے اسکائی ریٹرن کر کے دیا ہے کہہ رہا تھا اس یو فنکشن دے جسٹ ون فنکشن اگر میں نے بالکل اینڈ والا چاہیے تو مجھے کوئی کیلکولیشن کی ضرورت نہیں ہے اینڈ والا نہیں ہوگا شاید پھر لاسٹ ہے اچھا صحیح ہے لاسٹ ہے تو اس کو اگر میں سیو کروں تو دیکھیں یہ لاسٹ والا مجھے ریٹرن کر کے دے رہا ہے دس عمر یوزفل کی دیشی بازی کیسز کی ٹھیک ہے نا تو یہ اس طرح سے ہے سملرلی اچھا فسٹ ایلیمنٹ لاسٹ ایلیمنٹ اس کے علاوہ nth ایلیمنٹ nth مطلب جو ایلیمنٹ مجھے چاہیے فار ایگزامپل میں لاسٹ نہیں کرنا چاہ رہا میں nth کرنا چاہ رہا ہوں nth تو اس ورڈس کی ایرے میں میرے لیے سیکنڈ والا پرنٹ کروں تو یہ آپ کے لیے دیکھیں سیکنڈ والا پرنٹ کر رہا ہے یہ زیرو ون اور سیکنڈ والا آسان ہو گیا نا تھوڑا سا کمپیریٹیولی آسان ہو گیا چنکنگ ایرے بھی ہو سکتی ہے یعنی فار ایگزامپل جس طرح سے ہم سلائس یوز کر رہے تھے ایرے کا میتھڈ وہ بھی ہو سکتا ہے وغیرہ 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 دا دا دمرا دے ٹھیک تھا نا دا کرسر دلتا دے صحیح تھا نو وی کین ہیو دس مچ فنکشنس لیکن یہ یاد رکھیں یہ سر آپ نہیں سیکھ سکتے یہ تو میں نے بتا دیا ہے آپ کو بھی پتا چل رہا ہے جس جس جگہ جس جس کی اس کی ضرورت پڑے گی نا تب ہم جا کے سیکھیں گے سمجھ آئی ہے ٹول نہیں دکھے گی فار ایگزامپل اگر میں آپ سے ابھی ایک چھوٹا سا کام بتاؤں گا کہ مجھے ایک ویب سائٹ ہے نا اور اس پہ میرے پاس ایک ٹیبل ہے اور اس ٹیبل کا جو ڈیٹا ہے وہ ایک آبجیکٹ میں پڑا ہوا ہے جاواسکرپٹ کے آبجیکٹ میں ہے اور میں جب کلک کروں تو اس آبجیکٹ کو ڈاؤن لوڈ کر لوں ایک فائل میں سی ایس وی فائل میں فرض کر لیں لکھ لیں تو یہ کیسے کریں لائبریری ڈھونڈیں گے اس کو رو رو پوچھ بھی کریں آپ کو بالکل نہیں پتا کیا کریں گے تو کیا ڈھونڈیں گے لائبریری ڈھونڈیں گے سمجھ آئی ہے ہم لائبریری ڈھونڈیں گے کہ کیسے ایک آبجیکٹ کو سی ایس وی میں کنورٹ کیا جاتا ہے اور دوسری لائبریری ڈھونڈیں گے کہ کیسے کسی سی ایس وی کو ڈاؤن لوڈ کیا جاتا ہے سمجھ آئی ہے تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ آہستہ 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 سیکھ لیں یہ جو لائبریریز ہیں ابھی تک آپ کو جتنا میں نے نوٹ جیس پڑھایا ہے وہ بیسک لیول کا ہے بیسک لیول کا کیا مطلب کہ جو چیزیں بہت زیادہ ریکوائرڈ ہوں صرف وہی ہیں ابھی جب ہم آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس بنانا اسٹارٹ کریں گے تو اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو لائبریری سکھاتا جاؤں گا ٹھیک شو ان شاء اللہ تو ہوپ فلی ہم نیکسٹ ویک سے ریئیکٹ اسٹارٹ کریں بیکاز وی آر ریڈی سمجھ آئی ہے جمیل صاحب کو مجھے نہیں پتا اگلے ویک سے آئیں گے یا نہیں آئیں گے لیکن میں صرف تھوڑا سا چونکہ یہ کلاس ابھی آپ یعنی بیٹھے ہوئے ہیں تو میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ جب ہم اگلی کلاس میں آئیں گے تو ہم یہ اس طرح سے یہ لکھیں گے یہاں آپ گٹ بیش کھولیں گے اور یہاں پر ہم ایسے لکھیں گے این پی ایکس پھر اسپیس اور پھر کریٹ ریئیکٹ ایپ اور پھر آپ کے ایپ کا نام فار ایگزامپل ہیلپ جب میں انٹر دباؤں گا تو کیا ہوگا میرے اس کمپیوٹر میں یہ ایک اپلیکیشن اس فولڈر کے اندر بنا دی جائے گی ریئیکٹ کی ریڈی ٹو بی یوزڈ سمجھ آئی ہے تو مجھے یہ این پی ایکس ابھی سمجھانا پڑے گا نا کہ یہ کیا ہے سمجھ آئی ہے تو صرف یہ سن لے کہ یہ این پی ایکس کیا ہے تاکہ اگلی کلاس میں مجھے یہ ایکسپلین نہ کرنا پڑے ٹھیک ہوا پورا ماتو گرے اگر میں یہ لکھوں
npm install node mon, तो इसका क्या मतलब है? नोड मोन इंस्टॉल करो कहाँ पे? लोकल, सही है ना? अगर मैं ये लिखूँ इसके साथ, इसका क्या मतलब होगा? डेवलपमेंट डिपेंडेंसी इंस्टॉल करो. और अगर मैं ये लिखूँ तो इसका क्या मतलब होगा? कि ग्लोबल इंस्टॉल करो. ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको इंस्टॉल नहीं करना चाह रहा, मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि बस इंस्टॉल ना करो, सिर्फ ये मैंने एक दफ़ा यूज़ करना है, बार बार मैंने इस्तेमाल नहीं करना, तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा? npm install के बजाय मैं लिखूँगा npx. इसका मतलब ये होता है कि आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लो, टेम्प्रेरी मेरे कंप्यूटर पे रखो, फिर ये nodemon की कमांड रन कराओ. जब ये nodemon की कमांड बंद हो जाए तो फिर क्या करो? ये डिलीट कर दो. तो अगर मैं ये लिखूँ nodemon, ठीक है, nodemon, और फिर मैं फ़ाइल का नाम बताऊँ, फॉर एग्ज़ाम्पल myfile.js, तो जब तक ये फाइल, ये क्या होगा, ये nodemon की लाइब्रेरी डाउनलोड कर दी जाएगी और इसके थ्रू आपकी ये वाली फाइल रन भी कर दी जाएगी. जब आप ये फाइल बंद करेंगे तो क्या होगी? हाँ, ये अनइंस्टॉल होगी. ठीक है, तो हमें पहले पहले हम ये करते थे, मुझे पहले पहले मतलब एक साल बाद, एक साल पहले दस पखवा पखवाना ठीक देगा ना जगशिदा उस रिसेंटली दासी उशो हम ये करते थे. मैं अभी आपको बता रहा हूँ हम क्या करते थे. मैं ऐसे करता था, npm install create react app-g. तो इसका क्या मतलब है? ग्लोबली इंस्टॉल करो किस चीज़ को? क्रिएट रिएक्ट ऐप को. ये इंस्टॉल हो गई, लेट सपोज ये इंस्टॉल हो गई, इसके बाद हम ये लिखते थे क्रिएट रिएक्ट ऐप स्पेस हेलो. जो मॉड्यूल मैंने इंस्टॉल किया है उसके थ्रू किस को इंस्टॉल कराओ? हेलो को रन कराओ. तो ये अब ये अलाउड नहीं है, अब आप क्रिएट रिएक्ट ऐप को ग्लोबली इंस्टॉल नहीं कर सकते और ना ही ये रिकमेंडेड है कि आप किसको क्रिएट रिएक्ट ऐप के मॉड्यूल को क्या करो? ग्लोबल इंस्टॉल करो. ये रिकमेंडेड नहीं है. रिकमेंडेड क्या है कि आप ये लिखें npx create react app और फिर जो भी आपके फोल्डर का नाम. फॉर एग्जांपल अगर मैं हेलो लिखूं और एंटर करूं तो ये ऑटोमेटिकली क्रिएट रिएक्ट, ये क्रिएट रिएक्ट ऐप मॉड्यूल है संग अच्छे nodemon मॉड्यूल ने द मॉड्यूल चाह जोड़ कर फेसबुक वाला जोड़ कर वो ले जोड़ कर चिमुंग आसान अशी चिमुंग रिएक्ट एप्लीकेशन मैनुअली कन्फिगर कब वो लगे आई वगैरह चाहिए जरूरत नहीं मुंगे ऑटोमेटिकली कन्फिगर को. ठीक हुआ, तो ये आप जाकर ना उधर फेसबुक के ने जो नोड वेबसाइट पे नोड सर्वर पे जो चीज़ें अपलोड की हैं वहाँ से वो डाउनलोड करके आपके लिए बना बनाया प्रोजेक्ट विद सम मिनिमम कोड आपको दे देगा तैयार. बस हम सिर्फ उसको एडिट करके उससे काम लेना स्टार्ट करेंगे. ठीक था, मतलब उस गुरु करना चाहिए संग करके उसको इलाक लंजा शुरू हुआ. सही रहेगा ना, जिस चीज़ के पीछे हम इतना यानी इतनी ज़्यादा फरी की है. पहले बिल्कुल पहले दिन से हम जावास्क्रिप्ट सीखने जा रहे थे सिर्फ इसलिए कि हम रिएक्ट करेंगे. वो उसको दस का पता लगे करना चाहिए यूट्यूब की वीडियो नहीं करना चाहिए लर्न रिएक्ट इन 15 मिनट्स. तो देर जस्ट अ जोक, सही है ना? उसकी वजह ये है कि वो मतलब वो बहुत सारी चीज़ें एज्यूम करते हैं चिता सु बाहर से कि खत खड़े बस सिर्फ ऐसे गोरे चीज़ें आप रिएक्ट पर किसे शेयर दें. ठीक हुआ, दूसरा कोर्स मेरे पास जो है वो तकरीबन 55 आवर्स का है. तो एक 55 आवर्स में पढ़ा रहा है रिएक्ट और दूसरा 15 मिनट में. तो सफर 20 मिनट वाला हो भला डेली 15 मिनट वाला में भले और जरूरी हो तो तुम्हारे हैरान हो 15 मिनट की तरह एक किस्सा है उधर तो 15 मिनट में एनपीएक्स ही एक्सप्लेन नहीं हो सकता. तो इसमें कुछ चीज़ें पहले से हैं. एक चीज़ जो इसमें पहले से इंस्टॉल है वो वेब पैक है. ठीक है, वो भी मैं समझाऊँगा कि वेब पैक क्या है. और दूसरा इसमें बेबल इंस्टॉल है पहले से. तो इसके अंदर हम ES6 का कोड रन कर सकते हैं. ये जो रिएक्ट की ऐप है विदाउट कन्फिगरिंग एनीथिंग इसमें हम कर सकते हैं. आपके लिए भी यानी पहले बैच को अमजद को मैंने बिल्कुल बेसिक से कराया था कि आप रिएक्ट को रिएक्ट जेएस की फाइल को डाउनलोड करें, लाइब्रेरी को npm के थ्रू इंस्टॉल ना करें, रिएक्ट जेएस फाइल डाउनलोड किया लगे संग जेक्वेरी फाइल हो और फिर हम उसको मैनुअली किस तरह से बेबल और वेब डेव सर्वर्स और उससे कैसे करेंगे. तो व्यामा बात के लिए इसके चमाना था बस उस क्रिएट रिएक्ट ऐप का मुझे जरूरत नहीं था. बट अगर वो आपको आता है तो वो और भी बेहतर तरीका है कि हम बेबल को किस तरह से इसके साथ कंफिगर करेंगे. ये आगे इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे जब हम ये स्लिंट वगैरह इस्तेमाल करेंगे ना तो मैं आपको बेबल इसकी कंफिगरेशन सिखाऊंगा. क्योंकि उसके बगैर तो डेवलपमेंट ही नहीं है बल्कि टेस्टिंग नहीं है जब तक आपके पास ये स्लिंट ना हो. ठीक है, लेकिन तो यो प्रोजेक्ट की 15 का संकार कही ना
नो द हर चा द कोडिंग स्टाइल डिफरेंट है ना मुंग बसंग मेक श्योर का उचित द कोड चिकल दे रिपोजिटरी त पुष्टिगी चे द लका सही हालत की भी द सेना चे बसर चपल पखा द जिसे वर निकल चे द से नी ठीक छ तो उसके लिए आपके पास यानी वो होना चाहिए क्या कहते हैं एक चीज़ है जिसको ES lint कहते हैं। ES lint क्या करता है कि आपके कोड में अगर कोई प्रॉब्लम है ना इवन आप उसमें रूल्स डिफाइन करें चिका वेरिएबल एक एम एल केस की नहीं डिफाइन करें उनमें कोड बना पुश की तो शाह वाला एम एल केस तक आवलना समझ आई है तो इससे क्या होगा कि आपको कंपल्सरी आपको फोर्स किया जाता है कि आप वो वाला स्टैंडर्ड फॉलो करें जो कि एक्चुअली में है तो उसके लिए फिर बेबल और ES उसकी कॉन्फ़िगरेशन चाहिए क्या है पैक तो वो करेंगे ये उसमें मैंने लिखा हुआ है ES lint यूज़ करेंगे होता सुबह दे नोट कोई शुभ कर देन दे वी किमुंगा सिर्फ नोट डिस्कस करो नोट के पशमारे सरूर बिन से खबर ही दी ठीक है एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसके अंदर दो चीज़ें हैं एक नोड है और एक NPM है नोड क्या है वो उसका कंपाइलर है जिसके थ्रू ये फाइल्स ट्रांसलेट होती हैं और NPM क्या है वो उसका पैकेज मैनेजर है जिसमें मॉड्यूल्स वगैरह डाउनलोड करके हम इंस्टॉल कर सकते हैं और इसकी अगर डिपेंडेंसी इसके साथ हो तो वो भी हमें डिपेंडेंसी भी डाउनलोड करके कॉन्फ़िगर कर देता है दूसरा इसके अंदर एक फोल्डर जनरेट हो जाता है जिसका नाम node_modules है और उसके अंदर वो सारी लाइब्रेरीज पड़ी होती हैं जो कि हम डाउनलोड करके इंस्टॉल कराते हैं NPM के थ्रू अगर ये फोल्डर ना हो तो हम NPM के कोई पैकेज इस्तेमाल नहीं कर सकते जब हम अपलोड करते हैं तो उसमें इस फोल्डर की ज़रूरत नहीं होती वजह यह है कि इसके साथ एक package.json की फाइल मौजूद है जिसके अंदर सारा कुछ लिखा हुआ है जिसके थ्रू हम इस नोड मॉड्यूल के फोल्डर को दोबारा रिक्रिएट कर सकते हैं तो अगर मैं आपको अपनी एप्लीकेशन भेजूँ तो उसमें node_modules के फोल्डर के भेजने की ज़रूरत नहीं है मैं एक ऑनलाइन जॉब कर रहा था मेरी दूसरी जॉब थी और वो Puppeteer में थी Puppeteer एक लाइब्रेरी है नोड की अभी तो आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को नोड की एक लाइब्रेरी है Puppeteer उसका नाम है और वो है स्क्रैपिंग के लिए स्क्रैपिंग से तो वही कबाड़ गुंडो तो वही बस उससे सही खबर होगा इधर उधर से डेटा कलेक्ट करने को स्क्रैपिंग कहते हैं ठीक है ना तो वो स्क्रैपिंग की जॉब थी कबड्डी तो बोला जाओ ठीक हुआ तो उसमें ये था कि मैं जब मैंने फोल्डर बनाया ना माना हो जाओ स्क्रिप्ट तुमने ना तो ये कोई 6 साल पहले की बात है तो उसको मैंने पूरा फाइल समेत नोड मॉड्यूल्स के जिप में को और द मैसेज को मल्दारन कहते रन की वो कहता है मैं मुझे वो नोड मॉड्यूल्स फोल्डर सेंड ना करो माँ वेल नमड़ा है देना बगैर मैंने रन की आओ ही बस तुम सेंड करो से वैसे भी पोएगा माँ और लग पता औरतों लगे जिस सड़े अनाड़ी में कार्य को ठीक हो गया तो ऐसा ना हो कि फिर आप भी नोड मॉड्यूल साथ में जिप करके लोगों को सेंड कर दे जाए मेरी तरह चिदा सेना का भाई ठीक था अच्छा कहाँ गया ये भी इंस्टॉल हो रहा है अच्छा ये अभी यहाँ ये टाइम लेगा क्योंकि ये इतना आसान नहीं होता ये मैं इसलिए आज करा रहा हूँ नेक्स्ट टाइम तसुर ऐसे ही ना जान सारा बखपल पहले लैपटॉप पे रोड़े खाना ठीक है ना आप अभी की यो फोल्डर की कम से कम दा पूर्ण रन करे रोड़े चिदा उस मदद तक हम कमांड रन NPX क्रिएट रिएक्ट ऐप और हेलो या प्ले ग्राउंड के एक ऐप बना लें एम्प्टी ऐप बना लें फिर जब हम अगली दिखाएंगे ताकि ये वेट ना करना पड़े आपको मैं कहूँगा कि ये करें और आप मुझे कहेंगे जी हर जीता को लवरे का कमांड रन की के लिए सही बात तो ये ना हो इससे अगर आप इसको अवॉइड करना चाहते हैं इस बार बार NPX को नो बस भैया मजबूरी दमा खुदा हो गया ना फिर क्या करेंगे ये कर लें बस मजबूरी जानो सब अगर भाई ठीक था इससे ये होगा ना कि ये ग्लोबली आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाए और जब ये ग्लोबली इंस्टॉल हो जाए तो इसका मतलब ये है कि वो यानी दूसरे प्रोजेक्ट्स में आप इस्तेमाल कर सकते हैं सही है तब अगर मैं इधर ऐसे लिखूँ क्रिएट रिएक्ट ऐप और फिर हेलो तो इसमें यानी ये मुझसे नहीं पूछेगा चाहिए क्रिएट रिएक्ट ऐप से शायद अच्छा ये पूछ रहा है कि इसमें तो यहाँ पर तो package.json की कोई फाइल नहीं है तो कैसे बनाएंगे सही है अवॉइड दिस यार ये जो ये ग्लोबल मॉड्यूल्स है ना दर्जा लाला ज़्यादा ठीक देखा ना वो मैं NPX पर थ्रू ही हो गई बस समय हो गई ठीक देखा ना गप्पो सरम्बल लगे भाई तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में द लॉन्ग अवेटेड रिएक्ट विल बी स्टार्टिंग इंशाल्लाह और बाकी अभी हम कहते हैं नोड मॉड्यूल्स वगैरह इस देखो हाँ फिलहाल ये मैं सिर्फ इसलिए समझा रहा था ताकि आप नोड के इकोसिस्टम के साथ कम्फर्टेबल हो बाकी कोई वो नहीं दोबारा दे रहा हूँ